हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो एज यू ऑलरेडी नो, अभी ओलंपिक्स चल रहा है और मैं भी ओलंपिक्स देख रहा था। बट ओलंपिक्स देखने के प्रोसेस में मेरे को बहुत चीज़ों को लेकर के क्वेश्चंस आए कि ओवरऑल अगर आप बात करो तो इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा रहा है ओलंपिक्स में, कौन सी कंट्रीज़ है जो ओवरऑल सबसे अच्छा परफॉर्म करती हैं, कौन से एथलीट ने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल्स जीते हैं। सो सिंस आई एम इंटरेस्टेड इन डेटा साइंस एंड डेटा एनालिसिस, मुझे लगा कि क्यों ना हम ओलंपिक्स के डेटा सेट के ऊपर एक वेब एप्लीकेशन बनाएं और पूरा डेटा एनालिसिस परफॉर्म करें। सो मैंने वही किया, मैंने कैगल पे एक डेटा सेट खोजा और उसके ऊपर एक वेब एप्लीकेशन बनाया, ठीक है। और वो एप्लीकेशन मैं आपको थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगा एज अ डेमो। और इस वीडियो में हम यही प्रोजेक्ट करने वाले हैं, सिंस अभी ये बहुत रेलिवेंट टॉपिक है, तो आई वॉन्ट कि आप भी मेरे साथ इस वीडियो में खुद का एक ओलंपिक्स एनालाइजर बनाओ, जहां पर एक वेबसाइट के अंदर आप पूरे के पूरे ओलंपिक्स का डिटेल्ड एनालिसिस करो और उसको हेरोकु पे डिप्लॉय करके किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो। किसके लिए प्रोजेक्ट फायदेमंद है? अगर आप लोगों में से कोई भी अभी या फिर अगले 2 महीनों में किसी इंटरव्यू में बैठने वाला है तो दिस कुड बी अ गुड पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट, बिकॉज ये चीज बताता है कि आप बहुत रेलिवेंट टॉपिक्स के ऊपर काम करते हो और जो भी आप आसपास में देखते हो उसको कनेक्ट करते हो अपने स्किल सेट के साथ, तो उस तरीके से ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं आपको पहले दिखाऊंगा कि पूरा का पूरा इस वेबसाइट में मैंने क्या क्या ऐड किया है, किस तरह की एनालिसिस की है, और उसके बाद एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो में मैं आपको एंड टू एंड ये प्रोजेक्ट बनाना सिखाऊंगा। एंड ऑल्सो हमेशा की तरह हम लोग लास्ट में उसको हेरोकु पे डिप्लॉय करेंगे। सो आई होप यू आर एक्साइटेड, लेट मी शो यू द डेमो फर्स्ट। So guys, this is the demo of the project that I have created, Olympics Analysis Web Application. Broadly, मैंने इस पूरे application को 4 categories में डाला है, divide किया है। पहला है medal tally, दूसरा है overall analysis, तीसरा है country-wise analysis और चौथा है athlete-wise analysis, ठीक है। So medal tally का I guess आपको समझ में आ रहा है, हर Olympics में बहुत सारी countries participate करती हैं और फिर medals जीतती हैं, तो यहाँ पर आपको वो पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि कौन सी कंट्रीज किस रैंक पर है, ठीक है। तो अभी जैसे आपके स्क्रीन पर जो है वो ओवरऑल टैली है, ओवरऑल टैली का मतलब जब से ओलंपिक्स स्टार्ट हुए हैं, विच इज 1896, 120 साल 124 साल पहले जो पहला ओलंपिक हुआ था, तब से लेके अभी तक जितने भी ओलंपिक्स हुए हैं उनमें कंट्रीज का क्या स्टैंडिंग है, रैंकिंग है। सो यहाँ पर यूएसए क्लियरली सबसे ऊपर है, इतना गोल्ड, इतना सिल्वर, इतना ब्रॉन्ज और टोटल इतना है, ठीक है। और ऐसे करते करते सारी कंट्रीज को यहाँ पे मैंने रैंक करवा रखा है। देर आर मोर देन 200 कंट्रीज, इंडिया कहीं बीच में आता है 50 के अराउंड, इन 46, ठीक है, विथ 9 गोल्ड मेडल्स। अब यहाँ पे आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि आप सेलेक्ट ईयर में जाकर के कोई पर्टिकुलर ईयर में जो ओलंपिक हुआ था उसके बारे में पता कर सकते हो। जैसे आपको पता करना है 2016 में जो लास्ट ओलंपिक हुआ था रियो डी जेनेरियो में, वहां पे क्या स्टैंडिंग था कंट्रीज का, तो ये कोड आपको झट से वो दे देगा। सो उस टाइम भी यूएसए आगे था, फिर यूके, फिर चाइना, फिर रशिया एंड सो ऑन, ठीक है। इंडिया ने 6 मेडल्स जीते थे, देखना पड़ेगा, मतलब ढूंढना पड़ेगा। और फिर आप क्या कर सकते हो कि आप ओवरऑल रख के किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का परफॉर्मेंस भी देख सकते हो। जैसे अगर लेट्स से मुझे इंडिया का परफॉर्मेंस देखना है तो आई कैन टाइप इंडिया और इंडिया ओवर द ईयर्स ओलंपिक्स में कैसा परफॉर्म किया है, उसका आपको एक टेबुलर डेटा मिल जाएगा। जैसे 1900 में फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था, 2 सिल्वर जीता था, फिर लाइन से 1928 से लेकर के 1956 तक ऑलमोस्ट 30 साल लगातार हॉकी में हमने गोल्ड मेडल जीता था जब ध्यानचंद खेलते थे। उसके बाद फिर काफ़ी सूखा पड़ा रहा और फिर यहाँ 2008 में अभिनव बिंद्रा जो शूटर हैं उन्होंने जीता और फिर ये रहा, ठीक है। और अगर आप चाहो तो इंडिया का किसी एक स्पेसिफिक ईयर में भी देख सकते हो, जैसे इंडिया का 1908 में पार्टिसिपेट नहीं किया था, ओके, 1972 में ये रहा एक ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। तो ये तो हो गया मेडल टैली। नेक्स्ट इज ओवरऑल एनालिसिस, यहाँ पे मैं पूरे ओलंपिक्स के बारे में एक ओवरव्यू दूंगा, ठीक है। जैसे कि टॉप स्टैटिस्टिक्स क्या है ओलंपिक से रिलेटेड, टोटल आज तक कितने एडिशंस हुए, कितने सिटीज ने होस्ट किया है, कितने स्पोर्ट्स खेले जा चुके हैं, कितने इवेंट्स हुए हैं, कितने पार्टिसिपेटिंग नेशंस हैं और कितने एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ग्राफ बनाया है पार्टिसिपेटिंग नेशंस ओवर द ईयर्स, हर साल कितनी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं इसका ग्राफ है ये, फिर हर साल कितने इवेंट्स हुए उसका ग्राफ है ये, फिर हर साल कितने एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया ये उसका ग्राफ है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग हीट मैप है कि हर स्पोर्ट में कितने इवेंट्स होते हैं ओवर द ईयर्स। सो यू कैन सी एथलेटिक्स में
पहली बार जब ओलंपिक्स हुआ था 1896 में, तो 12 इवेंट्स हुए थे, और अब कंटिन्यूसली 47 इवेंट्स हो रहे हैं पिछले 3 ओलंपिक्स से, ठीक है। सो ये आपको चार्ट दो चीजें बताता है कि हर पर्टिकुलर स्पोर्ट में कितने इवेंट्स हैं और वो पर्टिकुलर स्पोर्ट स्टार्ट कब से हुआ। जैसे अगर आप यहाँ पे फोकस करो, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल स्टार्ट हुआ है 1936 में, ठीक है। वेर एज अगर आप बात करो टेनिस का, टेनिस यहाँ तक चला, फिर बंद हो गया, फिर यहाँ पे दोबारा स्टार्ट हुआ। तो काइंड ऑफ आपको एक ओवरव्यू दे रहा है इवेंट्स की हिस्ट्री का, ठीक है। उसके बाद आपके ओलंपिक्स में सबसे सक्सेसफुल एथलीट्स का मैंने एक टेबल बनाया है, ये ओवरऑल है, बट अगर आप चाहो तो आप स्पोर्ट्स के बेसिस पे भी कर सकते हो। जैसे अगर आपको पता करना है कि गोल्फ में हु इज द मोस्ट सक्सेसफुल एथलीट, तो ये आपको कोड फिल्टर करके दे देगा। या सो यूएसए का कोई बंदा है, अगर हम किसी और स्पोर्ट्स में देखें, लाइक अगर हम एथलेटिक्स में देखें, तो देखते हैं कौन है। एंड यू कैन सी उसेन बोल्ट है यहाँ पे विथ 8 गोल्ड मेडल्स, ठीक है। सो ये हो गया ओवरऑल एनालिसिस। नेक्स्ट इज कंट्री वाइज एनालिसिस। सो यहाँ से आप कोई भी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो। लेट्स से मैंने सेलेक्ट किया यूएसए। ये यूएसए का मेडल टैली है ओवर द इयर्स कि हर ओलंपिक में यूएसए ने कितने मेडल्स जीते, ठीक है। उसके बाद ये एक हीट मैप है जहाँ पे ये बता रहा है ये हीट मैप कि यूएस कौन से स्पोर्ट्स में बहुत स्ट्रांग है। सो यहाँ पे जो भी लाइटर शेड्स हैं वो स्ट्रांग जोन है यूएस का, जैसे कि स्विमिंग बिकॉज ऑफ माइकल फेलिप्स, और एथलेटिक्स बहुत सारे एथलीट्स हैं, और छिटपुट बीच में जैसे जिमनास्टिक्स में कभी कभी जीता है, शूटिंग में शुरू में जीतता था, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे अगर आप चाइना सेलेक्ट करो, ये चाइना का मेडल टैली है, 1984 में पहली बार चाइना ने पार्टिसिपेट किया था, और यू कैन सी चाइना इज गुड इन डाइविंग, जिमनास्टिक्स, शूटिंग, टेबल टेनिस, वेट लिफ्टिंग, कई चीजों में चाइना अच्छा है, ठीक है। उसके बाद है टॉप 10 एथलीट्स ऑफ चाइना, ये टॉप 10 एथलीट्स हैं। यहाँ से आप कंट्री चेंज करोगे, यहाँ पे टॉप 10 एथलीट्स का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये आप ट्राई कर सकते हो। द लास्ट थिंग इज एथलीट वाइज एनालिसिस। बेसिकली एथलीट्स के हिसाब से सारा एनालिसिस है यहाँ पर। सो सबसे पहले यहाँ पर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज, ठीक है, कि गोल्ड मेडल आप कौन से एज में ज्यादातर जीतते हो, सिल्वर मेडल कौन से एज में जीतते हो, ब्रॉन्ज मेडल कौन से एज में जीतते हो। फिर है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज विथ रिस्पेक्ट टू स्पोर्ट्स, गोल्ड मेडल मेडलिस्ट के हिसाब से कि अलग अलग स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल जीतने का चांस सबसे ज्यादा कब है, ठीक है। यहाँ से यू कैन सेलेक्ट और डिसलेक्ट मल्टीपल स्पोर्ट्स, आपके ऊपर है ये। उसके बाद है हाइट वर्सेस वेट चार्ट, ठीक है, एथलीट्स का। यहाँ पर मल्टीपल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है, जैसे कि ब्लू कलर मतलब कोई मेडल नहीं जीतने वाला एथलीट, ऑरेंज मतलब सिल्वर मेडल, ग्रीन मतलब गोल्ड मेडल, रेड मतलब ब्रॉन्ज मेडल, सर्कल मतलब फीमेल, क्रॉस मतलब मेल। यहाँ से आप कोई एक स्पोर्ट सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आर्चरी में अगर आप देखो तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है वेट्स और हाइट्स का। सी दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन, ज्यादा वेट और हाइट वाले मतलब मेल ऊपर हैं, बट दिस इज द जोन जहाँ पे सबसे ज्यादा मेडल्स जीते गए, ठीक है। तो हाइट और वेट के हिसाब से एनालिसिस है। एंड द लास्ट वन इज कि वेमेन पार्टिसिपेशन कैसा रहा है ओवर द ईयर्स। सो यहाँ पे ब्लू लाइन जो है वो मेन पार्टिसिपेशन बता रही है, और ये रेड लाइन वेमेन पार्टिसिपेशन बता रही है, ठीक है। तो यू कैन सी मैंने काफी एनालिसिस किया है, और इसमें और भी बहुत एनालिसिस करने का स्कोप है। तो ये प्रोजेक्ट आप लोग करो, मैंने इसके ऊपर एक पूरा फुल फ्लेजेड वीडियो बनाया है, आप उसको देख करके इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकते हो। ऑल्सो एज यू कैन सी ये डिप्लॉयड है, मतलब मैंने हेरोकू पे इसको डिप्लॉय किया है, तो आप मैं वो भी दिखाऊंगा कि हेरोकू पे कैसे डिप्लॉय करना है, सो दैट आप इसको अपलोड करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर पाओ, ठीक है। सो आई होप यू आर एक्साइटेड फॉर दिस प्रोजेक्ट, लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, इस प्रोजेक्ट के लिए हम लोग जो डेटा सेट यूज करने वाले हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। कैगल पे मुझे ये डेटा सेट मिला, 120 ईयर्स ऑफ ओलंपिक हिस्ट्री, एथलीट्स एंड रिजल्ट्स, ठीक है। ये ऑल दो और भी डेटा सेट्स अवेलेबल हैं कैगल के ऊपर, बट ये मुझे सबसे कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड डेटा सेट लगा, जिसमें मुझे लगता है कि मैं सारे एनालिसिस कर सकता हूँ, ठीक है। सो मैंने सबसे पहले क्या किया, इस डेटा सेट को डाउनलोड किया। इस डेटा सेट में दो अलग फाइल्स हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फाइल है वो है एथलीट अंडरस्कोर इवेंट्स डॉट सी एस वी, जहाँ पे हर एथलीट जिसने भी पार्टिसिपेट किया है ओलंपिक में उसका डिटेल दिया हुआ है,
और सेकेंड है regions.csv, जहां पे वो किस रीजन से आता है उसका डिटेल्स है, ठीक है। सो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने एक फोल्डर बना लिया मेरे जुपिटर में ऑल अबाउट ओलंपिक्स बोल के, वहां पे ये दोनों मेरे डेटा सेट्स हैं, और मैंने एक नया जुपिटर नोटबुक बना लिया बाय द नेम ऑफ ओलंपिक एनालिसिस बोल के, एंड दिस इज द नोटबुक। अभी इस पॉइंट पे यहाँ पे कोई कोड नहीं है, मतलब बस लाइब्रेरी को मैंने इंपोर्ट कर रखा है और इन दोनों डेटा सेट्स को मैंने इंपोर्ट कर लिया है। सो यहाँ पर सेटअप बस इतना ही है, इतना ही करना है। सेकेंड चीज जो हम करेंगे, सिंस हम लोग एक वेब एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, तो हम लोग एनालिसिस करेंगे जुपिटर के ऊपर, बट हम लोग उस एनालिसिस को दिखाएंगे वेब एप्लीकेशन में, ठीक है। तो हम लोग एक स्ट्रीमलेट ऐप बनाएंगे, तो उसके लिए मैं पाइचाम ओपन कर रहा हूँ, जहां पर मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाऊंगा सबसे पहले। सो हम लोग सबसे पहले फाइल पर जाएंगे और एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। ये जो प्रोजेक्ट होगा इसका नाम हम रख सकते हैं ओलंपिक्स एनालिसिस वेब ऐप, ठीक है। मैं वर्चुअल इन्वायरमेंट सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे प्री इंस्टॉल्ड कोई भी लाइब्रेरीज नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे इसको डिप्लॉय करना है, और मैं बेस इंटरप्रेटर पाइथन 3.7 ले रहा हूँ। मेरे एक्सपीरियंस में अभी सबसे स्टेबल 3.7 है, सारी लाइब्रेरीज इसके साथ सही से काम कर पाती हैं। यू हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट, थोड़ी देर में ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग लाइब्रेरीज इंस्टॉल करेंगे जिसकी हमें ज़रूरत होगी। सो ये हमारा प्रोजेक्ट है। सबसे पहले मैं एक पाइथन फाइल बना रहा हूँ, न्यू पाइथन फाइल, इस फाइल का नाम होगा ऐप। अभी यहाँ पे फिलहाल मैंने सिर्फ एक कोड लिखना है, स्ट्रीमलेट, स्ट्रीमलेट एज ST एंड पैंडाज एज PD, ठीक है, बस इतना हम लोग करके नेक्स्ट काम जो करेंगे वो होगा लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना। तो मैं टर्मिनल पे जा रहा हूँ और वहां पे आई वुड राइट पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट, और इस कोड को रन कर देंगे। ऑब्वियसली आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, ये इंटरनेट से ये पूरा लाइब्रेरी का फाइल को डाउनलोड करके आपके सिस्टम पे इंस्टॉल कर देगा। स्ट्रीमलेट के साथ पैंडास भी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा, तो हमें पैंडास को अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। सो या गाइज, ये लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो चुकी हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा स्केलेटन कोड लिखते हैं, जो बेसिक फ्रेमवर्क है हमारे पूरे वेब ऐप का वो हम लोग क्रिएट करते हैं। सो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ st:sidebar.radio, और यहाँ पे आई विल राइट सेलेक्ट एन ऑप्शन, और ऑप्शंस में मैं एक टपल के अंदर वैल्यूज दूंगा। सबसे पहला वैल्यू होगा मेडल टैली, अगर मुझे सारी कंट्रीज की रैंकिंग देखनी है, सबसे ज्यादा किसने मेडल्स जीते हैं, तो वो मुझे यहाँ पे मिलेगा। ओवरऑल एनालिसिस, कंट्री वाइज एनालिसिस, एथलीट वाइज एनालिसिस, एथलीट के हिसाब से भी हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, और या एक बार इस कोड को हम लोग रन करते हैं। सो आई वुड राइट स्ट्रीमलेट ऐप, रन करने के लिए आपको ये कमांड लिखना पड़ता है, स्ट्रीमलेट ऐप, स्ट्रीमलेट रन ऐप डॉट py, और ये आपके मशीन पर एक सर्वर क्रिएट कर देगा जहां पर ये वेब एप्लीकेशन रन करने लग जाएगा। दिस इज द URL एंड दिस इज द वेब ऐप। सो यू कैन सी दिस इज द वेब ऐप, मैं नॉर्मल करता हूँ इसको। सो या सेलेक्ट एन ऑप्शन में यहाँ से आई कैन सेलेक्ट 4 ऑप्शंस, ठीक है। सो इन चारों में से यूजर कुछ भी एक चीज सेलेक्ट कर सकता है। तो अब हम लोग अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे मेडल टैली कैलकुलेट करना है, ठीक है, ओवरऑल। सो 1896 में पहला ओलंपिक हुआ था, समर ओलंपिक, और बाय द वे हम लोग इस पूरे के पूरे वीडियो में समर ओलंपिक पे फोकस करेंगे, विंटर पे नहीं करने वाले। सो समर ओलंपिक जो पहला हुआ था वो 1896 में हुआ था, और जो सबसे रीसेंट वाला हुआ है दैट वाज इन 2016 ब्राजील में, और अभी एक दो दिन पहले स्टार्ट हुआ है जापान में। तो अभी वाले का डेटा हमारे पास है नहीं, तो हमारा जो विंडो है दैट इज 1896 से लेके 2016, ठीक है। सो मोर देन इट्स लाइक 120 साल का डेटा है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, एक बार यहाँ पे देखते हैं कि क्या चल रहा है डेटा में, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार उसको थोड़ा जूम करते हैं, और रन किया हमने, हमारे पास दो अलग डेटा फ्रेम्स हैं। दिस इज द फर्स्ट वन जो कि मेन है, ठीक है, दिस इज द मेन डेटा फ्रेम।
एंड यू कैन सी इसमें हमारे पास ये सारे कॉलम्स हैं, ये एथलीट के हिसाब से है सारा डेटा, ठीक है. सो आईडी ऑफ द एथलीट, नेम ऑफ द एथलीट, सेक्स, एज, हाइट, वेट, कौन सी टीम में था. अब कभी कभी आई गेस अलग अलग टीम्स जा रही हैं, सेम कंट्री से मल्टीपल टीम्स हो सकती है. एनओसी, गेम्स, एनओसी इज बेसिकली द रीजन, यहाँ पर दिया होगा शायद. एनओसी का मतलब है नेशनल ओलंपिक कमिटी, ठीक है, शायद हर कंट्री का एक कमिटी है और ये वही डिनोट कर रहा है. कौन सा गेम्स था ये, कौन से साल में खेला गया, सीजन क्या था, सीजन विंटर और समर दो अलग सीजन्स हैं, कौन सी सिटी में खेला गया, कौन सा स्पोर्ट था, कौन सा इवेंट था, उस स्पोर्ट में कौन सा इवेंट था, और फाइनली उस प्लेयर को मेडल मिला या नहीं मिला. तो यहाँ पे सबसे पहला काम जो हमें करना है वो ये है कि हमें फिल्टर करना है इस पूरे डेटा फ्रेम को ऑन द बेसिस ऑफ सीजन. मुझे इस सीजन नहीं चाहिए, चाहिए एक्चुअली मुझे सिर्फ समर का डेटा चाहिए. तो इस पॉइंट पे अगर मैं देखूँ तो df.shape इज 271,000, सो अराउंड 271,000 एथलीट्स का रो वाइज डेटा है. मुझे क्या करना है, मुझे फिल्टर करना है. सो मैं लिखूंगा सीजन इज इक्वल टू समर, और यहां पे मैं पास कर दूंगा df लाइक दिस. और अब यहां पर आप देखोगे कि सीजन में हमेशा आपके पास समर है, ठीक है. तो एक काम करते हैं, इसको रीअसाइन कर देते हैं, और अब अगर मैं df डॉट शेप करूं तो नंबर ऑफ रोज घट जाएंगे ऑब्वियसली. सो अराउंड 50,000 रोज घट गए, ठीक है, विच इज फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब देखो हमें क्या करना है, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ कि हमारा डेटा कैसे ऑर्गेनाइज है. हाँ, दिस इज द वे इन विच द डेटा इज ऑर्गेनाइज. सो हमारे पास एथलीट का नाम है और एक पर्टिकुलर ओलंपिक में उसका परफॉर्मेंस दिया हुआ है, अलॉन्ग विथ कि उसने कोई मेडल जीता या नहीं जीता, ठीक है. तो हमें क्लियरली करना क्या है कि हमें ग्रुप बाय करना है एनओसी के बेसिस पे, ठीक है. एनओसी के बेसिस पे हमें ग्रुप बाय करना है, और ग्रुप बाय करके हमें मेडल्स का काउंट निकालना है, मेडल टैली कैलकुलेट करने के लिए. उसके पहले मैं एक काम करूंगा और वो ये है कि एनओसी से मैं कंट्री का नाम निकाल सकता हूँ अगर मैं दूसरे वाला डेटा फ्रेम यूज करूँ. ये जो रीजन अंडरस्कोर डीएफ है, अगर मैं ये आपको दिखाऊं तो इसके अंदर कुछ इस तरीके से डेटा है. सी एनओसी से रीजन आपको समझ में आएगा, और रीजन इज एक्चुअली कंट्री का नाम. तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कोड लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं df डॉट मर्ज, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं मर्ज कर रहे हैं हम लोग रीजन के बेसिस पे, और लेफ्ट ऑन एनओसी मर्जर मस्ट पास राइट ऑन और राइट इंडेक्स. ओके, सो एक्चुअली लेफ्ट ऑन देने का जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑन देने का जरूरत हो सकता है. और यहाँ पर मुझे लेफ्ट ज्वाइन करना है, हाउ पैरामीटर में आई वुड पास लेफ्ट ज्वाइन, ये रहा मेरा लेफ्ट ज्वाइन, और अब मेरे पास रीजन आ गया. सो अब मैं लिखूंगा df इज इक्वल टू दिस. सो नाउ df में मेरे पास रीजन का नाम है, ठीक है. लास्ट में यहाँ पर जैसे यहाँ पे अगर ARG है विच इज अर्जेंटीना, वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. यहाँ पे यूएसए है तो यूएसए, RUS है तो रशिया, ठीक है, कंट्री का नाम रीडेबल करने के लिए, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे नाम आएंगे जिससे हमें कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे BLR, अगर कोई बहुत ज्योग्राफी में घुसा पड़ा नहीं है तो उसको नहीं समझ में आएगा कि इट्स बेलारूस, ठीक है. तो ये हमने एक काम कर लिया. अब नेक्स्ट हमें क्या करना है कि हमें मेडल काउंट निकालना है रीजन के बेसिस पे, ठीक है. बाय द वे, टोटल कितनी कंट्रीज पार्टिसिपेट की थी, अगर आपको ये निकालना है तो आप लिख सकते हो रीजन के ऊपर वैल्यू काउंट्स, इनफैक्ट आप यूनिक कर सकते हो डायरेक्टली, एंड दीज आर ऑल द कंट्रीज दैट हैव पार्टिसिपेटेड अभी तक, ठीक है. अगर आपको इसका काउंट निकालना है तो आप यहाँ पे शेप डाल सकते हो, और शेप इज 206, ठीक है. अब 206 ठीक है, मतलब कंट्रीज के हिसाब से यहाँ पर बस कुछ कुछ हिस्टोरिक एरर्स हैं, लाइक हिस्टोरिक इश्यूज हैं, जैसे कि जर्मनी पहले ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी दोनों था, फिर वो जुड़ गया, तो इस तरह के बहुत इश्यूज हैं, बॉर्डर इश्यूज भी हैं यहाँ पे, जैसे NaN वैल्यूज भी हैं, और
और कुछ और कंट्रीज जैसे कि रशिया का 91 में काइंड ऑफ डिसइंटीग्रेशन हुआ था इनटू 16 मोर कंट्रीज, तो रशिया का भी यहाँ पे आपको दो अकरेंसेस दिखाई देंगे, एक रशिया के नाम से और एक यूएसआर के नाम से, सोवियत यूनियन के नाम से, ठीक है? तो वो कुछ हिस्टोरिक इश्यूज हैं, बट इट्स ओके, हमारे पास कोई इशू नहीं है, अभी तक सब कुछ ठीक है। अब हम लोग दो काम करेंगे। पहला काम हम ये करेंगे कि हम ये चेक करेंगे कि कितनी मिसिंग वैल्यूज हैं, ठीक है, कितनी मिसिंग वैल्यूज हैं, हम ये चेक करेंगे। और सेकंड हम चेक करेंगे कि क्या कभी डुप्लीकेट वैल्यूज हैं कि नहीं। सो अगर मैं लिखूं df डॉट इज नल डॉट सम, तो इससे मुझे पता चल जाएगा कितनी डुप्लीकेट वैल्यूज हैं। यू कैन सी आईडी नेम सेक्स में वैल्यूज मिसिंग नहीं है, एज काफी एथलीट्स का मिसिंग है, हाइट और वेट ऑलमोस्ट 1/5 एथलीट्स का मिसिंग है, टीम एनओसी गेम्स ईयर ये सब ठीक है, रीजन कभी कभी मिसिंग है, एनओसी में रीजन मिसिंग नहीं है ऑल दो। सो कभी कभी ऐसा हो रहा है कि एनओसी से रीजन का कन्वर्जन नहीं हो पा रहा। इसका रीजन ये है कि कभी कभी कुछ एनओसीज ऐसे हैं जो किसी कंट्री से रिलेटेड नहीं है। मैं विकिपीडिया आर्टिकल पढ़ रहा था, जैसे कि अगर आप यहाँ पे जाओ और आप सर्च करो मेडल टैली ओलंपिक्स ऑल टाइम, तो यहाँ पे कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो किसी भी कंट्री से अटैच नहीं है, शायद वही वहां पर दिखाई दे रहा है। एक बार आपको ये पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। आई जस्ट गो अप, ये ब्लू कलर जैसे बता रहा है कि नॉट एन एक्चुअल नेशन, बट ठीक है, चलो कोई नहीं, इट्स ओके, अभी फिलहाल रहने देते हैं इसको। व्हाट वी विल डू इज विल जस्ट इग्नोर इट राइट नाउ, फिलहाल हम इसको इग्नोर करते हैं और एक चीज चेक करते हैं कि डुप्लीकेट रोज हैं कि नहीं। सो आई वुड राइट df डॉट डुप्लीकेटेड डॉट सम, एंड यू कैन सी काफी सारे डुप्लीकेट रोज हैं यहाँ पे। तो एक काम कर लेते हैं, डुप्लीकेट रोज को रिमूव कर लेते हैं, बहुत ईजी है। वी वुड राइट ड्रॉप डुप्लीकेट्स और इन प्लेस इक्वल्स ट्रू। और अब अगर मैं इस कोड को दोबारा रन करूं तो अब मुझे कोई डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं दिखनी चाहिए, यू कैन सी ये सही है, ठीक है। सो हमने डुप्लीकेट वैल्यूज हटा दी। अब मैं क्या करूंगा, मैं एनओसी के बेसिस पे सिंस एनओसी में कोई मिसिंग वैल्यूज नहीं है, एनओसी के बेसिस पे मैं ग्रुप बाय करूंगा और मेडल्स कैलकुलेट करूंगा। अच्छा एक चीज और, मेडल्स किस तरीके से लिखा हुआ है, मेडल्स थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से लिखा हुआ है। यू कैन सी अगर आप यहाँ पे मेडल डॉट वैल्यू काउंट्स करो तो यू वुड सी कि गोल्ड इतना है, ब्रॉन्ज और सिल्वर इतना है, ठीक है सही है, ये तो बराबर ही होना चाहिए ऑलमोस्ट, बट यहाँ पे काफी सारी NaN वैल्यूज भी हैं। सो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको वन हॉट इनकोड करता हूँ, मतलब गोल्ड का अलग कॉलम, ब्रॉन्ज का अलग कॉलम, सिल्वर का अलग कॉलम। सो आई वुड राइट दिस कोड pd डॉट गेट डमीज, एक फंक्शन होता है, और यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ df का मेडल, और ये मुझे एक नया कॉलम दे देगा। सो जहां पे भी गोल्ड लिखा हुआ होगा वहां पे गोल्ड 1 हो जाएगा, बाकी दोनों 0 हो जाएगा, और जहां पे NaN होगा वहां पे तीनों चीजें 0 होंगी। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस डेटा फ्रेम को, ये जो डेटा फ्रेम अभी क्रिएट हुआ, इसको मैं कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ विथ माई ओरिजिनल डेटा फ्रेम। मेरा ओरिजिनल डेटा फ्रेम है df, दिस इज माई ओरिजिनल डेटा फ्रेम df डॉट शेप। यू कैन सी इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है, सॉरी नंबर ऑफ रोज दोनों में सेम है, नंबर ऑफ कॉलम्स वेरी कर रहा है, तो मैं इनको हॉरिजॉन्टली जोड़ूंगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टली आई विल स्टैक देम। सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे pd डॉट कॉनकैट यूज करना पड़ेगा। सो आई वुड राइट pd डॉट कॉनकैट, और मैं कॉनकैट कर रहा हूँ df को एक्सेस इक्वल टू 1 के ऊपर, एंड दिस इज द न्यू डेटा फ्रेम। अब इसमें अगर आप नोटिस करो, इस डेटा फ्रेम में लास्ट में यू वुड सी कि ब्रॉन्ज गोल्ड और सिल्वर बोल के 3 नए कॉलम्स बन गए। सो जहां भी मेडल NaN है वहां पे तीनों वैल्यूज 0 है, और जहां भी गोल्ड है वहां पे बीच में 1 है,
और जहां भी कहीं और कुछ वैल्यूज नहीं दिख रही हैं, बट आई होप आपको समझ में आ रहा है. सो दिस विल बिकम माई न्यू डेटा फ्रेम, दिस इज माई न्यू डेटा फ्रेम. अब मुझे क्या करना है कि मुझे एनओसी के ऊपर ग्रुप बाय करके मुझे सम कर देना है सारे कॉलम्स का. सो मैं ये कोड लिखूंगा, आई वुड राइट डी एफ डॉट ग्रुप बाय. और ग्रुप बाय करने के बाद व्हाट आई विल डू इज कि मैं यहाँ पे पास करूंगा एनओसी और मैं सम अप्लाई करूंगा और मैं तीन कॉलम्स को निकालूंगा. फर्स्ट मैं निकालूंगा गोल्ड, फिर मैं निकालूंगा सिल्वर और फिर मैं निकालूंगा ब्रॉन्ज, एंड दिस इज द आउटपुट. अब एक काम करते हैं, ये जो नया डेटा फ्रेम बना इसको हम लोग सॉर्ट कर देते हैं ऑन टॉप ऑफ गोल्ड असेंडिंग इक्वल्स फॉल्स डिसेंडिंग ऑर्डर में. एंड यू कैन सी गाइस ये मेरा कंट्री के हिसाब से दिख गया. इसको मैं रीसेट इंडेक्स भी कर सकता हूँ, रीसेट इंडेक्स, एंड यू कैन सी ये रहा मेरा नया डेटा फ्रेम. तो यूएसए ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स जीते हैं, ब्रॉन्ज भी और शायद सिल्वर भी, और दिस इज द रैंकिंग. ठीक है, अब ये रैंकिंग एक्चुअली बहुत गलत है. मैंने जब पहली बार ये निकाला था तो मेरे को लगा मैं सही कर रहा हूँ, बट फिर मैंने जब इसको टैली किया यहाँ पे, ये देखो सी. सो अपेरेंटली यूनाइटेड स्टेट्स एज इन अमेरिका ने समर ओलंपिक्स में टोटल आज तक 1022 गोल्ड मेडल्स जीते हैं, बट अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस इट्स 2472. एंड दिस वॉज सो वियर्ड कि मेरे को समझ में नहीं आया कि डेटा में 2472 आ रहा है बट रियलिटी में सिर्फ उसका हाफ से भी कम है. मेरे को सबसे ज्यादा शक तब हुआ जब मैंने इसके ऊपर इंडिया का पोजीशन निकालने का ट्राई किया, एंड अपेरेंटली इंडिया का पोजीशन बहुत ऊपर आ रहा था, अराउंड 22, और दिखा रहा था कि इंडिया ने 131 गोल्ड मेडल्स जीते हैं, जो कि गलत है. मतलब इंडिया ने बहुत ज्यादा गोल्ड मेडल जीते नहीं है, जितना मुझे याद है 9 या 10 गोल्ड मेडल्स इंडिया ने जीते हैं. सो अगर आप थोड़ा नीचे जाओ, और काफी नीचे जाओ इनफैक्ट, सो ये देखो इंडिया ने 9 गोल्ड मेडल्स जीते हैं और टोटल मेडल टैली इनका बस 28 का है, बट अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस इट इज कमिंग आउट टू बी 131 गोल्ड मेडल्स, 19 सिल्वर मेडल्स, 40 ब्रॉन्ज मेडल्स. और काफी देर तक मेरे को समझ में नहीं आया कि डेटा में क्या प्रॉब्लम है. फिर थोड़ी देर के बाद मुझे समझ में आया डेटा में प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों ने क्या किया है कि एथलीट्स के हिसाब से पूरे डेटा को ऑर्गेनाइज किया है. इसका मतलब ये है कि अगर आप एक टीम इवेंट में मेडल जीतते हो तो हर एथलीट ने मेडल जीता है. इसका मतलब उस एक इवेंट में अगर उस टीम में 10 प्लेयर्स हैं तो आपने 10 गोल्ड मेडल जीत लिए. और यही हुआ इंडिया के साथ. इंडिया पास्ट में 8 गोल्ड मेडल जीती है हॉकी में. इसका मतलब 11 प्लेयर्स खेल रहे थे, ठीक है, और 8 × 11 और जो भी एक्स्ट्रास में होंगे उन सबको जोड़ करके वो नंबर 100 के पार चला जा रहा है. ठीक है, इनफैक्ट मैं आपको दिखा सकता हूँ. व्हाट आई कैन डू इज आई कैन राइट डी एफ एनओसी इक्वल टू IND. ये पहला हो गया, एंड डी एफ मेडल इक्वल टू गोल्ड. मैं एक फिल्टर क्रिएट कर रहा हूँ जस्ट टू शो यू कि क्या गड़बड़ चल रहा है यहाँ पे. सो अगर मैं इसको भी ब्रैकेट में डाल दूँ और इसको रन करूँ, यू कैन सी कि टोटल मिला के 131 रोज आ रहे हैं जहां पे इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता है. बट अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो शौकत अली हॉकी में 1928 में जीता, फिर 1928 में ही हॉकी में रिचर्ड जेम्स एलन भी जीते, और आपको डिस्क्रिपेंसी समझ में आ जाएगा. एक्चुअली में इन सारी जगहों पे सिर्फ एक गोल्ड मेडल होना चाहिए था इंडिया का, बट सिंस ये टीम इवेंट है और 11 प्लेयर खेल रहे हैं तो 11 11 गोल्ड मेडल्स काउंट हो रहे हैं, जो कि गलत है. और एग्जैक्टली यही सेम चीज बाकी कंट्रीज के साथ हो रहा है. दैट इज वाई हमारे पास जो टेबल आ रहा है ये एकदम ही गलत है. तो अब क्वेश्चन ये है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं. बहुत ईजी है. आपको क्या करना है, आपको डुप्लीकेट रोज हटाने हैं ऑन द बेसिस ऑफ टीम एनओसी गेम्स ईयर सीजन सिटी स्पोर्ट इवेंट और प्रोबेबली मेडल. ठीक है, मतलब ये इनके बेसिस पे जितने भी रेपिटेशन हैं इनको आप हटा दोगे तो आपके पास आंसर मिल जाएगा. मतलब इसका सिंपल है कि अगर हॉकी में इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता तो मैं 11 बार काउंट ना करके सिर्फ एक बार काउंट करूंगा. तो जहां भी ये सारी वैल्यू सेम होंगी, जहां भी ये सारी वैल्यू सेम होंगी, मैं उन सारे रोज को ड्रॉप कर दूंगा, हटा दूंगा.
दिस इज माई प्लान, ठीक है? तो वॉट आई विल डू इज, मैं लिख रहा हूँ df डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सबसेट, और सबसेट के अंदर मुझे एक एक करके सारे कॉलम्स का नाम देना है. सबसे पहले मैं दूंगा टीम, उसके बाद टीम एनओसी, गेम्स ईयर सीजन, टीम्स एनओसी, गेम्स ईयर सीजन. एक्चुअली रखने की जरूरत नहीं है, सीजन तो अब सिर्फ समर ही है, विंटर हट चुका है, सीजन को आप ड्रॉप भी कर सकते हो. सिटी स्पोर्ट इवेंट मेडल, सिटी स्पोर्ट इवेंट मेडल. और अब इस कोड को जब आप ड्रॉप कर दोगे, यू कैन सी आपके पास सिर्फ इतने ही रोज बचे, आधे से भी कम, ठीक है? तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग बुलाते हैं मेडल टैली. नया डेटा फ्रेम है ये, मेडल टैली, ठीक है? अब यहां पे हमें क्या करना है, सेम चीज को रिपीट कर देना है जो हमने ऊपर कर रखा है. सो व्हाट वी विल डू इज, हम ये पूरा कोड कॉपी करेंगे और यहां पे आके पेस्ट कर देंगे लाइक दिस. लास्ट में ये हेड लगाने की जरूरत नहीं है, और रन किया, मेडल टैली डॉट ग्रुप बाय होगा, एंड ये रहा गाइस हमारा आंसर. ये रहा हमारा आंसर, यूएसए ने 1035 गोल्ड मेडल्स जीते हैं, जो कि थोड़ा सा गलत अभी भी आ रहा है, 1022 आ रहा है. ब्रॉन्ज मेडल्स 797, अभी भी थोड़ा सा कुछ कुछ गड़बड़ आ रहा है. सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा और देखना पड़ेगा कि कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है. सिल्वर थोड़ा सा ज्यादा है, हमने डुप्लीकेट्स हटा दिए हैं, तो गड़बड़ कहाँ पर है थोड़ा फिगर आउट करना पड़ेगा. मैं वीडियो पॉज करके फिगर आउट करूंगा, बट मीनवाइल हमारा काम हो गया. हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग चेक कर सकते हैं कि इंडिया कहाँ पर है. अगर इंडिया का मेडल टैली सही है तो हम लोग ऑलमोस्ट सही कर रहे हैं. सो एक काम करते हैं, मेडल टैली, और मेडल टैली में हम एनओसी में वैल्यू फाइंड कर रहे हैं इंडिया का, और यहाँ पे वी विल पास मेडल टैली लाइक दिस, एंड यू कैन सी इंडिया का मेडल टैली में गोल्ड 9 है जो सही है, सिल्वर 7 है, और ब्रॉन्ज 12 है. लेट्स चेक दिस, इंडिया काफी नीचे है यहाँ पर. दिस इज इंडिया, 9 गोल्ड मेडल्स, 7 सिल्वर मेडल्स, 12 ब्रॉन्ज मेडल्स. 9 सिल्वर, 9 गोल्ड, 7 सिल्वर, 12 ब्रॉन्ज. तो इंडिया का ये बिल्कुल सही आ रहा है. टोटल मिला के इंडिया के 28 मेडल्स हैं जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं. तो या मोर ऑर लेस सही है. ऊपर वाली कंट्रीज में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रहा है, मुझे एक बार वीडियो पॉज करके फिगर आउट करना पड़ेगा, बट या हमने ये चीज कर लिया, ठीक है? अब हमें बस इसको डिस्प्ले कराना है इन आर वेब एप्लीकेशन ओवर हियर, ठीक है? दैट इज व्हाट वी विल डू नेक्स्ट. सो एग्जैक्टली गाइस, मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ पा रहा ये मेडल में डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं. कुछ एक्सेप्शंस होंगे आई गेस, क्योंकि 120 इयर्स का डेटा है, तो कुछ एक्सेप्शंस होंगे. क्योंकि मैं यहाँ पे जब पढ़ रहा था, यहाँ पे नीचे में कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, अगर आप नोटिस करोगे बहुत नीचे यहाँ पर कुछ कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, ऑब्सोलीट नेशन नोट्स, नेम चेंज नोट्स, पार्टिसिपेशन नोट्स. तो यहाँ पे कुछ कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, और मे बी उसकी वजह से थोड़ा सा डेटा हमारा वेरी कर रहा है, बट जो रैंकिंग है वो सही आ रहा है. तो व्हाट आई विल डू इज, फिलहाल प्रोसीड करते हैं, और अगर मुझे कुछ बीच में समझ में आता है तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? अब देखो हमें क्या करना है, ये डेटा हमारे वेब एप्लीकेशन में डिस्प्ले करना है. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने कुछ कोड ऑलरेडी लिख रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ. सो जैसे कि मैंने क्या किया, सबसे पहले तो अपना डेटा जो था वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया. फिर मैंने एक नई फाइल बनाई, preprocessor.py. यहाँ पे मैंने दोनों डेटा सेट्स को इम्पोर्ट किया और एक फंक्शन बनाया प्री प्रोसेस बोल के. और इस फंक्शन का काम एग्जैक्टली इनिशियल स्टेप्स अप्लाई करना था. सबसे पहले मैंने क्या किया, समर ओलंपिक्स के रोज को एक्सट्रैक्ट किया, विंटर वालों को हटा दिया, फिर मैंने रीजन के साथ उसको मर्ज किया, फिर डुप्लीकेट्स को हटाया, और फिर वन हॉट इनकोडिंग कर दिया मेडल्स वाले कॉलम पे, और df रिटर्न कर रहा है ये फंक्शन, ठीक है? और मैं app.py में गया और वहां पे मैंने बस इस फंक्शन को कॉल किया, प्री प्रोसेसर के अंदर प्री प्रोसेस को, वो मुझे एक डेटा फ्रेम रिटर्न कर रहा है, मैंने उसको रिसीव कर लिया, और मैंने st.data फ्रेम में उसको डिस्प्ले कर दिया. सो अब अगर मैं वापस जाऊं और रन करूं,
तो दिस इज द आउटपुट. सो जो डेटा फ्रेम मुझे यहां पर मिल रहा था, ये सारी चीजें करने के बाद यहां पर जो डेटा फ्रेम मुझे मिल रहा था, ये एग्जैक्ट डेटा फ्रेम अब मुझे यहां पे मिल रहा है. ठीक है, अब मुझे अगला काम क्या करना है कि मेडल टैली पे क्लिक करने पर मुझे हर कंट्री का मेडल टैली दिखाना है. ठीक है, इसके लिए व्हाट आई विल डू इज आई विल क्रिएट वन मोर फाइल, पाइथन फाइल, और इसका नाम मैं रखूंगा हेल्पर. ठीक है, और हेल्पर के अंदर सबसे पहले मैं एक फंक्शन बना रहा हूं मेडल टैली बोल के. इसको मैं अपना डेटा फ्रेम दूंगा और ये पलट के मुझे मेडल टैली रिटर्न करेगा. सो व्हाट आई विल डू इज यहाँ पे मैंने जो कोड लिख रखा है मैं उसी कोड को यूज करूंगा, एक्चुअली रीयूज करूंगा. सो दिस इज द कोड. सबसे पहले हमने क्या किया, हमें जो डेटा सेट मिला उसमें से हमने ड्रॉप डुप्लीकेट्स करके एक नया डेटा फ्रेम बना दिया मेडल टैली बोल के, और उसके बाद ये कोड अप्लाई किया लाइक दिस. और अब हम क्या कर रहे हैं, हम रिटर्न कर रहे हैं मेडल टैली. एक चीज और मैंने किया, मैंने यहाँ पे एनओसी के बदले रीजन के बेसिस पे किया, सो दैट रीजन में मुझे कंट्रीज दिखाई देने लग जाए, कंट्रीज का नाम दिखाई देने लग जाए. ठीक है, और एक काम करता हूँ मैं, इसमें मैं एक कॉलम बनाता हूँ टोटल बोल के. ठीक है, सो टोटल कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है. तीनों जो हमारे कॉलम्स हैं गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज, हम उनको ऐड कर लेंगे. सो कॉपी पेस्ट पेस्ट, यहाँ पे आ जाएगा ब्रॉन्ज और यहाँ पे आ जाएगा सिल्वर. और अब अगर आप मेडल टैली को प्रिंट करो यू शुड गेट दिस. ठीक है, सो इस लाइन को भी मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रहा लाइक दिस. ठीक है, और अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हेल्पर को मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, और इस जगह पे आई एम राइटिंग कि इफ, इसको हम बोल देते हैं यूजर मेन्यू, इस रेडियो बटन को, और यहाँ पे हम लिखते हैं इफ यूजर मेन्यू का वैल्यू इज इक्वल टू मेडल टैली, मतलब यूजर मेडल टैली देखना चाहता है, तो हम क्या करेंगे, हम हेल्पर के अंदर से मेडल टैली फंक्शन को कॉल करके अपना डेटा फ्रेम पास कर देंगे और वो हमें दिखाएगा मेडल टैली बोल के एक नया डेटा फ्रेम. और अब मैं क्या कर रहा हूँ, उस मेडल टैली डेटा फ्रेम को ST डॉट डेटा फ्रेम से प्रिंट कर रहा हूँ लाइक दिस. दिस इज द कोड. ठीक है, सो अब मैं वापस जाता हूँ और एक बार रीलोड करते हैं हम इस पेज को, एंड यू कैन सी ये रहा वो डेटा फ्रेम. सो हमारे पास USA है विथ 1035802, टोटल 2542. उसके बाद रशिया, जर्मनी, यूके, फ्रांस, चाइना, इटली, यहाँ पर भी आई गेस हमें सेम चीज दिखनी चाहिए. या सो यहाँ पे सोवियत यूनियन है, सोवियत यूनियन इज एक्चुअली रशिया ओनली, सो इन्होंने रशिया और इसका मर्ज कर दिया आई गेस 1577. यहाँ पे इट इज 1010 और रशिया का 426. इन दोनों को ऐड कर दो अगर आप, तो आपको रफली यही मिलेगा 1577. ठीक है, तो सिंस हमारे डेटा में ऐसा है हम कुछ कर नहीं सकते कि अलग से इसको सोवियत यूनियन बोले, बट या ग्रेट ब्रिटेन थोड़ा ऊपर है हमारे में, जर्मनी ऊपर है, जर्मनी में भी सेम प्रॉब्लम हुआ है. जर्मनी में भी प्रॉब्लम क्या है, हिस्टोरिकल अगर आपको पता होगा तो वेस्ट जर्मनी अलग है और एक और है यूनाइटेड जर्मनी बोल के भी एक है, यूनाइटेड टीम ऑफ जर्मनी, तो इन तीनों को जोड़ दिया गया है एंड दैट इज वाई हमारे में जर्मनी ऊपर आ रहा है और यूके फिर उसके बाद आ रहा है. सो या चाइना के साथ भी सेम प्रॉब्लम है. ठीक है, तो ये थोड़ा सा हिस्टोरिकली इस डेटा को मतलब प्रॉब्लम्स हुए हैं, बट या हमारे पास जो आंसर्स हैं वो मोर और लेस सही है, और आई गेस दैट इज वाई मेडल्स में भी थोड़ा सा गड़बड़ है. इंडिया यहाँ पर है विद 28 मॉडल्स. एक चीज हम लोग और कर सकते थे और वो ये है कि इस जगह पर हेल्पर डॉट पी वाई में मैं ये काम कर सकता था कि मैं सारे के सारे कॉलम्स को कन्वर्ट कर सकता था इनटू इंटीजर यूजिंग द एस टाइप फंक्शन लाइक दिस. लेट मी शो यू मैं क्या बोल रहा हूँ.
पहले मैं सिर्फ मेडल के ऊपर करके दिखाता हूँ, सिर्फ गोल्ड के ऊपर करके दिखाता हूँ। यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है। ओके, मेडल नहीं है, मेडल टैली है। यहाँ पे भी मेडल टैली होगा। अब अगर मैं वापस जाऊँ तो लेट्स रीलोड दिस, कुछ इशू हुआ। मैं काम करता हूँ, वीडियो पॉज करके फिगर आउट करता हूँ। सो या गाइस, कुछ वियर्ड एरर आ रहा था जो मुझे समझ भी नहीं आया एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हो रहा है, बट मैंने एक छोटा सा चेंज किया। मैंने रादर देन इम्पोर्टिंग द डेटा सेट्स इन दिस फाइल, मैंने डेटा सेट्स को मेन फाइल में इम्पोर्ट किया, और यहाँ पे जो फंक्शन बनाया था प्री प्रोसेस, इसको मैंने एज पैरामीटर मांगा इन दोनों डेटा सेट्स को। तो मैंने क्या किया, जब मैंने यहाँ पे प्री प्रोसेस को कॉल किया तो मैंने इन दोनों डेटा फ्रेम्स को भेज दिया, ठीक है, और बाकी का काम यहाँ पे नॉर्मली हो रहा है जैसा हो रहा था पहले, ठीक है। और उसके बाद मैंने बस इतना कोड लिखा, मैंने सारे कॉलम्स को एज टाइप इंटीजर कर दिया, जिसकी वजह से अब अगर आप कोड देखो तो ये रहा हमारा कोड, ठीक है। यू कैन सी बहुत इजीली अब सारी की सारी चीज़ें इंटीजर्स में दिखाई दे रही है, जो कि ज़्यादा बेटर रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। सो या यहाँ तक सब कुछ ठीक है। अब हम लोग इसमें एक एडिशनल फीचर ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर दो ड्रॉप डाउन्स ऐड करूँगा। एक ड्रॉप डाउन होगा ओलंपिक ईयर का, मतलब कौन से ईयर के ओलंपिक्स की आप बात कर रहे हो। तो मान लो अगर आपने यहाँ पे 2016 सेलेक्ट किया, तो 2016 में जो रैंकिंग था कंट्रीज का वो दिखाई देगा। जैसे अभी आपको ओवरऑल रैंकिंग दिखाई दे रहा है ना, लेकिन जैसे आप एक पर्टिकुलर ईयर सेलेक्ट करोगे तो उस ईयर में जो स्टैंडिंग था कंट्रीज का वो आपको दिखने लग जाएगा। और फिर एक सेकेंड ड्रॉप डाउन हम लोग और ऐड करेंगे, और वो सेकेंड ड्रॉप डाउन होगा कंट्री का, ठीक है। तो अगर लेट्स से मैंने इंडिया सेलेक्ट किया, तो इंडिया का हर पर्टिकुलर ओलंपिक सीजन में परफॉर्मेंस कैसा था ये दिखाई देगा, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट आई विल डू इज, यहां पर आई विल क्रिएट टू ड्रॉप डाउन, वन फॉर कंट्रीज एंड वन फॉर द ईयर इन विच द ओलंपिक्स वॉज प्लेड या ऑर्गेनाइज, ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट करते हैं। सो गाइज, अब हम लोग सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे कि किन ईयर्स में ओलंपिक्स खेला गया है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। हम अपने ओरिजिनल डेटा फ्रेम में जाएंगे, डीएफ, और डीएफ के अंदर मैं जाऊंगा ईयर कॉलम में, और ईयर में मैं यूनिक फंक्शन कॉल कर लूंगा, और ये रहा गाइज यूनिक फंक्शन, ठीक है। और what we can do is, we can first of all convert it into a list. This is the list. फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको sort कर सकते हैं। Actually directly sort करके कोई फायदा नहीं है, इसको हम लोग एक variable में डाल सकते हैं years बोल के। So अगर मैं years को print करूँ तो ये रहा years, years dot sort कर दिया। और अब अगर आप ईयर्स को प्रिंट करो तो सबसे पहला जो ओलंपिक खेला गया दैट वाज इन 1896, जो लास्ट था वो 2016 था, ठीक है। और इसके जस्ट शुरू में मुझे एक एक और आइटम ऐड करना है ओवरऑल बोल के, ठीक है। तो व्हाट आई वुड डू इज, मैं लिखूंगा ईयर्स डॉट इंसर्ट, मुझे कौन से पोजिशन पे इंसर्ट करना है, मुझे क्या इंसर्ट करना है। और अब अगर मैं ईयर्स को प्रिंट करूँ, ये रहा ओवरऑल और फिर ये रहा सब कुछ, ठीक है। तो ये तो हो गया ईयर एक्सट्रैक्ट करने के लिए। सिमिलरली व्हाट वी कैन डू इज, हम लोग कंट्रीज भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यूजिंग रीजन। सो आई विल कम अप ओवर हियर एंड आई वुड राइट रीजन, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कंट्री। रीजन में आर स्मॉल है, और उसके बाद हम लिख सकते हैं कंट्री डॉट सॉर्ट, अल्फाबेटिकली सॉर्ट हो जाएगा। ओके, सो अपेरेंटली कंट्री में फ्लोट्स भी हैं, बट ऐसा क्यों है, लेट्स सी। जैसे यहाँ पर एक तो एन ए एन वैल्यू है, सिर्फ एक एन ए एन वैल्यू की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो एक काम करते हैं, व्हाट वी विल डू इज, हम लिखते हैं डी एफ रीजन, और इसमें से अगर हम लिखें ड्रॉप एन ए, तो और ड्रॉप एन ए करके अगर हम वैल्यूज को फेच करें, और अगर इसको हम टू लिस्ट में कन्वर्ट करें, अब हमें इस वैल्यूज में से पहले यूनिक निकालना है,
और फिर उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है. NDRA हैज नो एट्रीब्यूट यूनिक, सो हमें क्या करना पड़ेगा. बट यार जितना मुझे याद है एनपी डॉट यूनिक तो होता था. सो व्हाट वी कैन डू इज कि एनपी डॉट यूनिक एक बार टाइप करते हैं इसके ऊपर. हाँ, हर कंट्री एक बार आ रहा है. और अब हम क्या करते हैं, इसको लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं. ये लिस्ट बन गया और अब लिस्ट को सॉर्ट करते हैं. सो अब अच्छा सॉर्ट नहीं कर सकते पहले से क्योंकि वो परमानेंट सॉर्टिंग होता है. इसको हम लोग एक वेरिएबल में ले लेते हैं कंट्री बोल के. इसको डिलीट कर देते हैं, ये रहा कंट्री. और कंट्री डॉट सॉर्ट करने पे हमें मिल जाएगा सॉर्टेड अल्फाबेटिकली सारी कंट्रीज. अब इसमें भी हम क्या करेंगे, ये कोड डाल देंगे. सो आई विल कॉपी दिस एंड आई विल पेस्ट इट ओवर हियर. और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कंट्री. और अब अगर मैं कंट्री को प्रिंट करूँ तो ये रही सारी कंट्रीज का नाम, ठीक है, अल्फाबेटिकली. सो मुझे बस क्या करना है, अब वापस जाना है और हेल्पर में एक फंक्शन बनाना है बाय द नेम ऑफ कंट्री ईयर लिस्ट बोल के. यहाँ पे मैं अपना डेटा फ्रेम पास करूँगा और सबसे पहले मैं ये कोड लिखूँगा, कॉपी पेस्ट. उसके बाद ये कोड पेस्ट, उसके बाद ये कोड. ये ईयर का काम हमने कर लिया. और उसके बाद फिर कंट्री के लिए कॉपी और हमें यहाँ पर numpy इम्पोर्ट करना पड़ेगा. सो वी वुड राइट इम्पोर्ट numpy एज एनपी. numpy ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है जैसे आप pandas इंस्टॉल करते हो, और pandas स्ट्रीमलेट की वजह से हो गया था इंस्टॉल. उसके बाद हम सॉर्ट करेंगे यहाँ पर और उसके बाद हम ये कोड कॉपी कर लेंगे और फिर हम रिटर्न कर देंगे years and country, ठीक है. और अब मैं क्या करूँगा, जब मैं यूज़र मेन्यू जब मेडल टैली सेलेक्ट करेगा तो मैं सबसे पहले यहाँ पर मैं प्रिंट करूँगा st डॉट हेडर में मेडल टैली. उसके बाद मैं लिखूँगा ईयर्स कॉमा कंट्री इज इक्वल टू हेल्पर के अंदर और यहाँ पे df पास कर दूँगा, ठीक है. सो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे डिस्प्ले करना है चेकबॉक्स यूज करके. चेकबॉक्स नहीं, ड्रॉप डाउन सेलेक्ट बॉक्स बोलते हैं उसको शायद. सो आई वुड राइट st डॉट साइड बार डॉट सेलेक्ट बॉक्स. यहाँ पे मैं लिखूंगा सेलेक्ट ईयर और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा ईयर्स और इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा. आई विल कॉल इट सेलेक्टेड ईयर और फिर I will copy this, paste it over here. इसको रख देंगे selected country. यहाँ पे लिखा होगा select country और यहाँ पे आ जाएगा country और आगे का कोड as it is, ठीक है. अब एक बार इस कोड को रन करके देखते हैं. रीलोड किया. So yeah, this is the output. This is the medal tally. ये यहाँ से हमारे सारे ईयर्स आ रहे हैं. अभी सेलेक्ट करने से कुछ नहीं होगा. और यहाँ पर हमारे अफगानिस्तान और सारी कंट्रीज का नाम आ रहा है, ठीक है. ये मेडल टैली ऑल्दो मैं यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहता था. सो व्हाट आई विल डू इज st डॉट साइड बार डॉट लिखूंगा और अब रन करूंगा इसको तो ये ऐसा दिखाई दे रहा है मेडल टैली. और एक काम कर सकते हैं हम लोग, एकदम टॉप में इस जगह पर हम लिख सकते हैं st डॉट साइड बार डॉट टाइटल ओलंपिक्स एनालिसिस तो कुछ अच्छा दिखने लग जाएगा लाइक दिस, ठीक है. और अब हम लोग को क्या करना है, जैसे अगर मुझे सारे ओलंपिक्स का हर कंट्री का रिकॉर्ड देखना है तो ये दिखाई देगा. और व्हाट आई कैन डू इज मैं ओवरऑल किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री का देख सकता हूँ या फिर व्हाट आई कैन डू इज ओवरऑल के बदले मैं किसी एक पर्टिकुलर ईयर में किसी कंट्री का परफॉर्मेंस देख सकता हूँ. ये मैं नेक्स्ट करूंगा. सो गाइज अब मैं एक फंक्शन बनाने वाला हूँ जिसमें दो इनपुट्स मिलेंगे, ईयर और कंट्री.
और डिपेंडिंग ऑन द इनपुट आपका फंक्शन आउटपुट देगा मेटल टैली का, ठीक है. सो हम एक फंक्शन बना रहे हैं डेफ फेच मेटल टैली बोल के, इसको दो इनपुट्स मिलने वाले हैं ईयर एंड कंट्री, ठीक है. और इसमें चार अलग केसेस होंगे. सो जो पहला केस होगा वो ये होगा कि ईयर का वैल्यू इज ओवरऑल एंड कंट्री का वैल्यू इज ऑल्सो ओवरऑल. मतलब आप ओवरऑल मेडल टैली देखना चाहते हो अभी तक जितने भी ओलंपिक्स हुए हैं उन सब में हर कंट्री का. अब ये तो बहुत सिंपल है, हमें क्या करना है, हमें हमने ये काम ऑलरेडी कर रखा है. सबसे पहले हम लोग को अपने पूरे के पूरे डेटा फ्रेम में से वो डुप्लीकेट्स हटाने हैं जो प्रॉब्लम मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ. और इसको हम बोल सकते हैं मेडल डीएफ, ठीक है. सो ये मेरा मेडल डीएफ है, दिस इज माय मेडल डीएफ, ठीक है. तो ये एक केस हो गया. दूसरा केस होगा इफ ईयर इज इक्वल टू ओवरऑल एंड कंट्री इज नॉट इक्वल टू ओवरऑल. मतलब क्या हुआ इसका कि मैं किसी स्पेसिफिक कंट्री का सारे ईयर्स का परफॉर्मेंस देखना चाहता हूं. सो यहां पे आएगा नॉट इक्वल टू ओवरऑल. उसके बाद अगला जो केस होगा वो होगा इफ, इसका ठीक उल्टा केस होगा. सो आई विल कॉपी दिस, पेस्ट इट ओवर हियर. जब ईयर इज नॉट इक्वल टू ओवरऑल बट कंट्री इज इक्वल टू ओवरऑल, दिस इज माई थर्ड केस. एंड माई लास्ट केस इज वेन बोथ ऑफ देम आर नॉट इक्वल टू ओवरऑल. ये चार अलग अलग केसेस हैं मेरे पास, ठीक है. तो मुझे बस हर केस में क्या करना है कि मेडल डीएफ को यूज करना है, ठीक है. सो जब दोनों ही ओवरऑल है तो मुझे मेडल डीएफ एज इट इज चाहिए होगा, ठीक है. तो यहां पे मैं कुछ भी नहीं करूंगा. जब ईयर ओवरऑल है और कंट्री नॉट इक्वल टू ओवरऑल है तो इसका मतलब मुझे कोई स्पेसिफिक कंट्री दी जा रही है और उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस पूछा जा रहा है. तो मैं क्या करूंगा, मेडल डीएफ के अंदर से मैं रीजन सेलेक्ट करूंगा, कोई एक स्पेसिफिक रीजन, जैसे कोई कंट्री जो मुझे मिलेगा वो कंट्री मुझे सेलेक्ट करना है. लेट्स से मैंने सेलेक्ट किया इंडिया और इसको वापस मेडल डीएफ में डाल दूंगा. सो बेसिकली मैंने फिल्टर कर लिया इंडिया के बेसिस पे. अब सारे के सारे रोज में जो रीजन होगा वो इंडिया ही होगा, ठीक है. तो यहाँ पे मेडल डीएफ का आपका वैल्यू ये हो जाएगा. तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं एक फंक्शन, एक वेरिएबल बनाते हैं टेम्प डीएफ. फर्स्ट केस में हो जाएगा मेडल डीएफ के बराबर. सेकेंड केस में क्या होगा, इसको मैं कट कर रहा हूँ और यहाँ पे लेके आ रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ टेम्प डीएफ इज इक्वल टू दिस, और यहाँ पे इंडिया के बदले आ जाएगा कंट्री, ठीक है. सिमिलरली जब ईयर ओवरऑल नहीं है, इसका मतलब कोई स्पेसिफिक ईयर के बारे में आप पूछ रहे हो, तो इन दैट केस क्या होगा, आप लिखोगे मेडल डीएफ ईयर इज इक्वल टू सम ईयर, लेट्स से 2016, और इसको वापस आप मेडल डीएफ में डाल दोगे. सो बेसिकली आप देख सकते हो कि मैं अपने डेटा फ्रेम को फिल्टर कर रहा हूँ बेस्ड ऑन अ गिवन कंडीशन. सो यहाँ पे देखो हमेशा 2016 ही आएगा, ठीक है. तो इस केस में हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे कि टेम्प डीएफ विल बी इक्वल टू, टेम्प डीएफ विल बी इक्वल टू दिस. यहाँ पे 2016 के बदले आ जाएगा इंटीजर ऑफ ईयर, यहाँ पे जो ईयर है, ठीक है. और लास्ट केस में हमें क्या करना है, हमें दो चीजों के बेसिस पे फिल्टर करना है, पहला इसके बेसिस पे और दूसरा कंट्री के बेसिस पे. तो मेडल डीएफ रीजन इक्वल टू कोई एक कंट्री लाइक दिस. सो यू कैन सी अब यहाँ पे ईयर 2016 है बट रीजन सारा इंडिया है. सो अब हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे temp df is equal to this. So basically filter कर लिया मैंने given condition के basis पे. अब जब मेरे पास ये data frame आ गया उसके ऊपर मुझे क्या करना है, उसके ऊपर मुझे simply ये code लगाना है, group by करना है region के ऊपर और reset index कर देना है. So I will go down and I will write this code. I would write if else खत्म होने के बाद temp df dot
दिस, ठीक है, और इसको हम एक्स बोल सकते हैं. और फिर हम क्या करेंगे, हम ये लास्ट चीज करेंगे कि हम टोटल भी कैलकुलेट कर लेंगे. सो वी वुड राइट दिस, एक्स का टोटल, एक्स का गोल्ड, एक्स का सिल्वर, एक्स का ब्रॉन्ज, और उसके बाद मैं प्रिंट कर दूंगा एक्स को. ये मेरा फंक्शन है, ठीक है. अब इसको ट्राई करते हैं एक बार. सबसे पहले ओवरऑल ट्राई करते हैं. सो मैं लिखता हूं फेच मेडल टैली ईयर इज इक्वल टू ओवरऑल, कंट्री इज इक्वल टू ओवरऑल, एंड यू कैन सी मुझे एग्जैक्टली वही रिजल्ट मिल रहा है जो मेरे पास यहां पर है. ये रिजल्ट मुझे मिल रहा है, तो पहला केस सही है. अब एक काम करते हैं, ओवरऑल में हम डालते हैं यहाँ पे इंडिया. तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम सेकंड केस में घुस रहे हैं, सेकंड केस में घुस रहे हैं. हम एक स्पेसिफिक कंट्री का ओवरऑल रिकॉर्ड देख रहे हैं, और ये रहा ओवरऑल रिकॉर्ड इंडिया का 9/7/12/28, ठीक है, ओवरऑल इंडिया का यही रिकॉर्ड है. उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम एक स्पेसिफिक ईयर में इंडिया का रिजल्ट देखते हैं. लेट्स से 2016 में इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा था वो देख रहे हैं. तो ये हो जाएगा लास्ट वाला केस. हाँ, एक सिल्वर एक ब्रॉन्ज, देखते हैं एक बार. 2016 ओलंपिक्स मेडल टेबल इंडिया. सो इंडिया ने जीता था एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज, सही है, सही आ रहा है ये. अगर आप यूएस का देख लो तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा आई गेस यूएसए, आई नॉट श्योर यूएसए है कि नहीं. यूएसए से कुछ हुआ नहीं, वियर्ड है. एक काम करते हैं, कुछ और लिखते हैं. लेट्स राइट फ्रांस, हमेशा सेम रिजल्ट आ रहा है. रीजन बार बार इंडिया इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने कुछ गलती किया आई गेस. यहाँ पे इंडिया लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पे आएगा कंट्री. कोड को फिर से रन किया, अब रन किया, या फ्रांस ने 42 जीता था, 10 गोल्ड. देख लेते हैं एक बार मोर कंट्रीज. फ्रांस ने 10 गोल्ड 18 सिल्वर 14 ब्रॉन्ज, 10 गोल्ड 18 सिल्वर 14 ब्रॉन्ज, सही आ रहा है. अब एक काम करते हैं, ये वाला केस देख लेते हैं जब किसी कंट्री का हम ओवरऑल देख रहे हैं. पहला केस था दोनों ओवरऑल, दूसरा केस था ईयर ओवरऑल कंट्री नॉट, ये वाला हो गया. थर्ड है किसी स्पेसिफिक या हमने चारों केसेस तो देख ही लिए. 2016 में ये रहा, ओवरऑल ये रहा 777. सो या गाइस, दिस थिंग इज वर्किंग, ठीक है. अब इसी फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको डाल देंगे हमारे स्ट्रीमलेट वाले ऐप के अंदर. अच्छा, हमने एक केस नहीं देखा, और वो केस ये है कि किसी एक पर्टिकुलर ओलंपिक में सारी कंट्रीज का रैंकिंग क्या था. मतलब यहाँ पे ईयर सेट कर दो और कंट्री में ओवरऑल कर दो लाइक दिस, और ये मुझे बता देगा कि एक पर्टिकुलर साल में रैंकिंग क्या था कंट्रीज का, ठीक है. तो एक बार चेक कर लेते हैं. 2017 में 121 था यूएस का, 121 है यूएस का, यूके का 67. सो या ठीक है, ये काम कर रहा है गाइस. एक शायद कुछ, हाँ ठीक है, काम कर रहा है. अगर हम 2012 कर लें एक बार, तो ये 2012 का रैंकिंग है. यहाँ पे अगर हम जाएं और लिखें 2012, तो 2012 में इंडिया का नहीं चाहिए मुझे. 104 यूएस का है, यहाँ पे 103 आ रहा है, बट सेकंड 91 एंड 65, थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी है. बट अगेन मेरे को लगता है वो हमारे डेटा की वजह से, लॉजिक सही है, अदरवाइज बाकी चीज़ें सही काम नहीं करती. सो या ये फंक्शन बन गया गाइस हमारा. अब हमें इसको बस स्ट्रीमलेट के अंदर डालना है. सो ये फंक्शन ठीक से काम कर रहा है, बस इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप किसी कंट्री का ओवरऑल रिकॉर्ड देखना चाहो, जैसे मैंने ईयर ओवरऑल कर दिया और यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ इंडिया, तो क्या हो रहा है कि ये मुझे ओवरऑल रिकॉर्ड इस तरीके से बता रहा है. मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था कि हर पर्टिकुलर ओलंपिक में कंट्री ने कितना मेडल्स जीता वो मुझे दिखाना था. मतलब बेसिकली ये डेटा मुझे ओलंपिक वाइज चाहिए था, ओलंपिक्स वाइज चाहिए था. तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा,
जब कंट्री दिया हुआ है और ईयर ओवरऑल है, तो यहां पर मैं लिख दूंगा फ्लैग इक्वल्स टू वन, ठीक है, और बाय डिफॉल्ट फ्लैग का वैल्यू मैं रखूंगा जीरो, ठीक है। और मैं यहां पे आऊंगा और मैं लिखूंगा इफ फ्लैग इक्वल टू वन, देन रीजन के बदले मैं ईयर के बेसिस पे ग्रुप बाय करूंगा, और एल्स ये पूरा कोड कॉपी रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे ईयर के बदले रीजन ही रहेगा। सो एक स्पेसिफिक केस में हम लोग बस ईयर के बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक है। एक बार चला के देखते हैं इस कोड को, और अब अगर मैं इसको रन करूँ, यू कैन सी ईयर बाय ईयर ये हमारा आंसर है। एक चीज और, गोल्ड के बेसिस पे सॉर्ट ना करके हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं ईयर के बेसिस पर, और असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स नहीं रखना है, असेंडिंग इक्वल टू ट्रू रखना है। सो अब अगर मैं इसको रन करूं तो यू कैन सी 1900 में सबसे पहली बार पार्टिसिपेट किया था, दो सिल्वर जीते थे और बीच में काफी सारे हॉकी के गोल्ड मेडल्स, उसके बाद यहाँ भी शायद हॉकी का, दिस इज अभिनव बिंद्रा एंड या, ठीक है, और बाकी सब कुछ नॉर्मली काम कर रहा है। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूं 1900 में क्या हाल था, तो दो सिल्वर मेडल्स दिखाई देंगे। वियर्ड है, यहाँ पे दो सिल्वर दिखा रहा है, बट जब मैं यहाँ पे 1900 कर रहा हूँ तो कुछ अलग आंसर आ रहा है। थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, बट या मोर लेस दिस इज द फंक्शन जो हम यूज करेंगे, ठीक है। एक चीज और कर सकते हैं, हम इस फंक्शन को कॉल करते टाइम यहाँ पे अपना डीएफ दे सकते हैं, एज इन डेटा फ्रेम दे सकते हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम फिल्टर कर लेंगे ये वाला। आई विल कॉपी दिस कोड और इसको यहाँ पे लिख लूंगा मैं लाइक दिस, और इसी को मैं बुलाऊंगा मेडल डीएफ। सो ये मेरा कंप्लीट फंक्शन हो गया। अब मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ अपने पाईचाम में, और यहाँ पे हेल्पर में मेडल टैली बोल करके एक फंक्शन बना रहा हूँ। एक्चुअली फंक्शन तो हमने कॉपी कर ही लिया है, और यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे हैं एक्स को, ठीक है। सो दिस इज द फंक्शन। अब हम क्या करेंगे, ऐप डॉट पी वाई में जाएंगे, और जैसे ही मेडल टैली सेलेक्ट होगा, अब हम क्या करेंगे कि हम हेल्पर के अंदर से कॉल करेंगे फेच मेडल टैली को, और यहाँ पे हम पास करेंगे डीएफ को, सेलेक्टेड ईयर को और सेलेक्टेड कंट्री, और वो मुझे पलट के मेडल टैली देगा और वो मेडल टैली में प्रिंट करूंगा, ठीक है। सो दिस इज द कोड, एक बार चेक करते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं, और इसको रिलोड किया हमने तो अभी ओवरऑल आ रहा है, ठीक है। हमें एक काम और करना चाहिए था, और वो काम ये है बेसिकली कि हेल्पर में जाके जहाँ पे ये एक्स है, तो ये कोड कॉपी करके यहाँ पे लिखना चाहिए था, यहाँ पे सभी जगह पे एक्स आ जाएगा, सो दैट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स ना दिखाई दे। मैं जल्दी से करता हूँ इसको, या नाउ इफ आई गो बैक एंड रीलोड, ये रहा हमारा ओवरऑल। अब एक काम करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर ईयर में देखते हैं, 1896 में स्टैंडिंग क्या था, ये था 1896 का स्टैंडिंग। 2016 का ये रहा, 2012 का ये रहा, 2008 का ये रहा। अब हम किसी पर्टिकुलर कंट्री का भी देख सकते हैं, जैसे अफगानिस्तान का परफॉर्मेंस 2008 में कोई भी मेडल नहीं जीता, ऑस्ट्रेलिया का परफॉर्मेंस 29 मेडल्स जीते, और ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया का परफॉर्मेंस सारे ओलंपिक्स में ऐसा है। रिसेंटली ये लोग काफ़ी मेडल्स जीतने लग गया आफ्टर 1984 वाला ओलंपिक्स, ठीक है। तो गाइज ये हमारा चीज़ कंप्लीट हो गया। एक और छोटा सा काम गाइज हम लोग जल्दी से कर सकते हैं, कि यहाँ पर हम लोग के पास कोई हेडिंग नहीं है, यहाँ पर हम एक हेडिंग ऐड कर सकते हैं। सो आई गो टू ऐप डॉट पी वाई,
और इस जगह पर हमें कुछ इफ एल्स स्टेटमेंट्स लगाने पड़ेंगे. इफ सेलेक्टेड ईयर इज इक्वल टू ओवरऑल एंड सेलेक्टेड कंट्री इज ऑल्सो इक्वल टू ओवरऑल, देन विल प्रिंट एसटी डॉट टाइटल के अंदर ओवरऑल टैली. सो एक बार इसको चेक करते हैं. अगर मैं इसको रीलोड करूं तो यहाँ पे ओवरऑल टैली दिखाई दे रहा है. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इफ सेलेक्टेड ईयर नॉट इक्वल टू ओवरऑल एंड सेलेक्टेड कंट्री इज इक्वल टू ओवरऑल. इस केस में हम लोग प्रिंट कर देंगे एसटी डॉट टाइटल के अंदर, मतलब कंट्री दिया हुआ है, कंट्री नहीं दिया हुआ है और ईयर दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे मेडल टैली इन प्लस सेलेक्टेड ईयर. ठीक है, एक बार इसको टेस्ट करते हैं. अब यहाँ पे ओवरऑल आ रहा है. अगर हम कोई ईयर सेलेक्ट करें, ये इंटीजर है तो हमें इसको एसटीआर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. रीलोड किया, ओवरऑल टैली 1980, मेडल टैली इन 1980. यहाँ पे हम ओलंपिक्स लिख सकते हैं. उसके बाद इफ सेलेक्टेड ईयर इज इक्वल टू ओवरऑल एंड सेलेक्टेड कंट्री इज नॉट इक्वल टू ओवरऑल, मतलब हम किसी एक स्पेसिफिक कंट्री का पूछ रहे हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे एस टी डॉट टाइटल के अंदर सेलेक्टेड कंट्री प्लस ओवरऑल परफॉर्मेंस. ठीक है, एक बार ये ट्राई करते हैं. सो यहाँ पे हम एक किसी पर्टिकुलर कंट्री का देख रहे हैं. सो यहाँ पे एंडोरा का है, कभी भी मेडल नहीं जीता. और लास्टली इफ सेलेक्टेड ईयर नॉट इक्वल टू ओवरऑल एंड सेलेक्टेड कंट्री नॉट इक्वल टू ओवरऑल, हम यहाँ पे लिखेंगे एस टी डॉट टाइटल के अंदर सेलेक्टेड कंट्री प्लस परफॉर्मेंस इन स्पेस प्लस एस टी आर सेलेक्टेड ईयर प्लस ओलंपिक्स. सो अब अगर हम लास्ट सेलेक्ट करें, मान लो 1908 में अफगानिस्तान का, तो अफगानिस्तान परफॉर्मेंस इन 1908 ओलंपिक्स, इसको अगर हम वाइड सेटिंग्स में देखें तो ऐसा दिखाई दे रहा है. सो या गाइस, ये मेडल टैली वाला मॉड्यूल पूरा कंप्लीट हो गया. अब हम लोग ओवरऑल एनालिसिस वाले मॉड्यूल के ऊपर मूव करेंगे. एक लास्ट चीज मैं ये कर रहा हूँ कि रादर देन यूजिंग द डेटा फ्रेम फंक्शन, आई एम कॉलिंग द टेबल फंक्शन. ये भी एक फंक्शन होता है स्ट्रीमलेट में, इससे आपको थोड़ा बेटर दिखने लगता है. ये देखो, थोड़ा बेटर है ये. अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर ईयर में जाना चाहूँ तो ये उस पर्टिकुलर ईयर का है. एक दो चेंजेस मैं और कर रहा हूँ सेटिंग्स में. पहला, लाइट थीम यूज कर रहा हूँ और वाइड मोड ऑन कर रहा हूँ, सो दैट ऐसा दिखाई दे. एंड दिस लुक्स मच मोर यू नो प्रोफेशनल. ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी स्टूडेंट ने बनाया है या किसी इंडिविजुअल ने बनाया है, थोड़ा अच्छा लग रहा है ये. वी कैन ऑल्सो सेलेक्ट अंगोला एंड या दिस इज नाइस. ठीक है, इतना हम लोग रखेंगे. ऑल्सो देर इज अ स्मॉल प्रॉब्लम कि हमेशा किसी एक कंट्री का किसी भी पर्टिकुलर ईयर में अगर आप मेडल टैली कैलकुलेट करो तो वो सेम आ रहा है. जैसे यू कैन सी, अगर मैं इंडिया का कैलकुलेट करूँ तो वो हमेशा सेम आ रहा है किसी भी ईयर में. तो ये एक छोटा सा एरर है, ये मैंने थोड़ी देर पहले नोटिस किया. और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे कोड में हमने एक छोटा सा गलती किया है, और वो ये है कि ये जो लास्ट केस है इसमें मैंने ईयर में हार्ड कोड कर दिया 2016. इसके बदले यहाँ पे आना चाहिए ईयर लाइक दिस. और अब अगर मैं इसको रीलोड करूँ, अब ये एरर चला जाएगा. सो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इंडिया, तो अभी इंडिया का ओवरऑल आएगा लाइक दिस.
और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2012, तो 6 मेडल्स देखेंगे लाइक दिस. ठीक है, तो एक छोटा सा बग था, उसको हमने रिजॉल्व कर लिया. सो गाइज, नेक्स्ट हम लोग ओलंपिक्स का ओवरऑल एनालिसिस करेंगे इस पार्ट के लिए, ओवरऑल एनालिसिस के लिए. यहाँ पे हम पहले कुछ स्टैट्स दिखाएंगे, ठीक है, जैसे कि नंबर ऑफ एडिशंस, नंबर ऑफ सिटीज जहाँ पे ओलंपिक्स हुआ, कितने स्पोर्ट्स खेले गए, कितने इवेंट्स हुए, कितने एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया, कितने पार्टिसिपेटिंग नेशंस थे, ये सब हम कैलकुलेट करेंगे. ये रहा मेरा डेटा फ्रेम, बाय द वे दिस इज माय डेटा फ्रेम, और यहाँ से ही मुझे सारे आंसर्स मिल जाएंगे. जैसे अगर मुझे पता करना है आज तक कितनी बार ओलंपिक्स हुआ है, तो बहुत ईजी है. मैं क्या करूँगा, मैं ईयर कॉलम के ऊपर यूनिक लगा दूंगा और ये मुझे बता देगा कि कौन कौन से सालों में ओलंपिक्स हुआ है. ठीक है, सो अगर मैं इसका शेप निकालूं तो टोटल 29 टाइम्स ओलंपिक्स हुए हैं. ठीक है, अब एक्चुअली ओलंपिक हुआ है 28 टाइम्स, बट मेरे डेटा में कुछ गलती आ रही थी, मैंने गूगल किया तो पता चला कि 28 ही हुआ है. तो मैंने अपने डेटा को फिर से देखा और मुझे यहाँ पे एक चीज़ वियर्ड लगी. ओलंपिक्स हमेशा 4 साल के इंटरवल पे होता है, बट यहाँ पर यू कैन सी 1904 में हुआ, उसके बाद 1906 में भी हुआ, और फिर 1908 में भी हुआ. तो मैंने 1906 ओलंपिक्स को सर्च किया तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि एज मोर स्ट्रेस वॉज प्लेस्ड ऑन कंटिन्यूइंग सीक्वेंस ऑफ 4 ईयर ओलंपियाड्स, द गेम्स ऑफ 1906 डिड नॉट फिट इन. हेंस टुडे द आईओसी डज नॉट रिकॉग्नाइज एथेंस 1906 ओलंपिक एज ओलंपिक गेम्स एंड डज नॉट रिगार्ड एनी इवेंट अकरिंग देयर सच एज सेटिंग ऑफ न्यू रिकॉर्ड्स ऑफ विनिंग ऑफ मेडल्स एज ऑफिशियल. सो काफी वियर्ड है, मतलब एक पूरा ओलंपिक्स खेला गया बट बाद में उसको वो माना नहीं जाता है कि वो ओलंपिक्स है, क्योंकि 4 साल का साइकिल फॉलो नहीं हो रहा था. तो फिर ऑर्गेनाइज क्यों किया, जो भी है, मतलब एथलीट्स की मेहनत लगी होगी बट आईओसी ने उसको माना नहीं है. सो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके शेप में से -1 करने पे, इसके शेप के 0 से -1 करने पे मुझे सही आंसर मिल जाएगा. ठीक है, कितनी सिटीज में ओलंपिक्स हुए हैं ये अगर मुझे निकालना है तो भी बहुत इजी है, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ. बहुत सिंपल है, आपको बस ये जो सिटी है इसके ऊपर ये सेम कोड रन कर देना है. सो आई विल कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे सिटी 23 सिटीज में हुआ है जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, कौन कौन सी सिटीज है वो आप इस कोड को हटा के देख सकते हो. ठीक है, सारी प्रीमियर सिटीज ही हैं वर्ल्ड की मोस्टली. ठीक है, नेक्स्ट हमें अगर पता करना है कि कितने स्पोर्ट्स खेले जाते हैं ओलंपिक्स में, तो वो हमें मिल जाएगा स्पोर्ट वाले कॉलम से. और इसका भी अगर मैं शेप निकाल दूं तो टोटल 23 नहीं यहाँ पे आएगा स्पोर्ट, टोटल 52 डिफरेंट स्पोर्ट्स खेले जाते हैं. अब ऐसा नहीं है कि हर ओलंपिक में हर स्पोर्ट्स खेला गया हो, जैसे यहाँ पे क्रिकेट है बट अब क्रिकेट नहीं खेला जाता. सो स्पोर्ट्स ऐड होते रहते हैं, सब्ट्रैक्ट होते रहते हैं, बट इन टोटल आज तक 52 स्पोर्ट्स खेले गए हैं. कितने इवेंट्स होते हैं वो भी आप निकाल सकते हो बहुत इजीली. नंबर ऑफ इवेंट्स ज़्यादा होंगे, हर स्पोर्ट में मल्टीपल इवेंट्स हो सकते हैं. जैसे अगर आप एथलेटिक्स का बात बात करो तो वहाँ पे 100 मीटर स्प्रिंट होता है, 200 मीटर स्प्रिंट होता है, 400 मीटर स्प्रिंट होता है. तो नंबर ऑफ इवेंट्स बहुत ज़्यादा हैं. अगर आप इसका शेप निकालो तो 651 डिफरेंट इवेंट्स हो चुके हैं ओलंपिक्स में अभी तक. नेक्स्ट अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ एथलीट्स, तो यहाँ पे जो नेम कॉलम है इसके ऊपर यूनिक लगा दो. बेसिकली सेम कोड कॉपी किया, पेस्ट किया और यहाँ पे डाल दिया नेम. सो 1,16,000 एथलीट्स अभी तक पार्टिसिपेट कर चुके हैं. पार्टिसिपेटिंग नेशंस निकालने के लिए आपको रीजन के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा सेम कोड. सो कॉपी किया, पेस्ट किया और यहाँ पे हमने क्या किया, डाल दिया रीजन. और ये रहे 206 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया अभी तक. अब 206 एग्जैक्टली है नहीं, उससे कम ही होगा, कंट्रीज का नाम बदलते रहता है. जर्मनी के साथ काफ़ी हिस्टोरिकल गड़बड़ हुई है, रशिया के साथ काफ़ी गड़बड़ हुई है, इंडिया भी पहले इंडिपेंडेंस के पहले एज अ ब्रिटिश ब्रिटिश कॉलोनी पार्टिसिपेट करता था, तो काफ़ी लफड़ा है यहाँ पे. बट या रफली 206 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है. सो गाइज, अभी हमने जो किया उसको हम लोग अपने वेब ऐप में इंटीग्रेट करेंगे. हम लिखेंगे इफ यूजर मेन्यू, जो मेरा चेकबॉक्स है, रेडियो बटन है, उसका वैल्यू अगर है ओवरऑल एनालिसिस, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ओवरऑल एनालिसिस अगर किसी ने सेलेक्ट किया, तो मैं सबसे पहले ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करूंगा. ठीक है, उसके बाद में क्या करूंगा,
मैं कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री इज इक्वल टू एस टी डॉट बीटा कॉलम्स क्रिएट करूंगा तीन, और विथ कॉलम वन मैं लिखूंगा एस टी डॉट टाइटल के अंदर एडिशंस, और यहाँ पे मैं लिखूंगा एस टी डॉट टाइटल के अंदर एडिशंस का जो भी वैल्यू है लाइक दिस, और इसको टाइटल के बदले हेडर कर देते हैं, और एक बार ये चला के देखते हैं कि एटलीस्ट ये चीज सही से आ रही है कि नहीं। सो अगर मैं ओवरऑल को सेलेक्ट करूं, हाँ तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब सिमिलरली हम बाकी चीज़ों को भी कर लेंगे, और गाइज ये सेम काम मैंने कर दिया विथ कॉलम टू, और यहाँ पे एडिशंस के बदले आ जाएगा सिटीज, फिर कॉलम थ्री में आ जाएगा स्पोर्ट्स। सिमिलरली मैंने फिर से कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री बना दिया, तीन और बीटा कॉलम्स। यहाँ पे आ जाएगा इवेंट्स, यहाँ पे आ जाएगा नेशंस, और यहाँ पे आ जाएगा एथलीट्स, और ये मेरा कोड कंप्लीट हो गया। वापस जाते हैं और इसको रीलोड करते हैं। ओवरऑल एनालिसिस एंड यू कैन सी दिस इज द ओवरऑल स्टैट, ठीक है। नंबर ऑफ एडिशंस कितने हैं, वो सिटीज कितनी थी, नंबर ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स, पार्टिसिपेटिंग नेशंस एंड एथलीट्स, ठीक है। तो ये छोटा सा हमने स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट कर लिया। एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे टॉप पे जा करके वी कैन राइट एस टी डॉट टाइटल टॉप स्टैट्स, टॉप स्टैटिस्टिक्स, सो दैट ये थोड़ा बेटर दिखाई दे, या ठीक है। अब हम लोग कुछ ग्राफ्स प्लॉट करेंगे। सो गाइज नेक्स्ट हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करेंगे कि ओवर द इयर्स कितने पार्टिसिपेटिंग नेशंस हर ओलंपिक्स में आए, ठीक है। सो इट विल बी अ लाइन प्लॉट जहाँ पे एक्स एक्सिस पे आपका ईयर होगा और वाई एक्सिस पे होगा नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग नेशंस, ठीक है। अब ये हमारे पास डेटा फ्रेम है। अब अगर आप थोड़ा केयरफुली सोचो तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पर हर एथलीट के हिसाब से एक रो है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सारे डुप्लीकेट रोज डिलीट कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्राइटेरिया, जहां भी ईयर और रीजन सेम है हम उन रोज को हटा देंगे, उन डुप्लीकेट रोज को हटा देंगे। एंड यू कैन सी अब मेरे पास 2786 रोज ही बचे हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर मुझे क्या करना है कि मुझे निकालना है ईयर वाला कॉलम और उसके ऊपर मुझे लगा देना है वैल्यू काउंट्स, और ये मुझे दे देगा कि हर साल में पार्टिसिपेटिंग नेशंस कितने थे, ठीक है। इसको मैं बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकता हूँ इनटू अ डेटा फ्रेम लाइक दिस, इसको इंडेक्स बोल रहा है बट इट्स ओके। और फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉर्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स लाइक दिस। तो सबसे पहला जो एडिशन था 1896, उसमें 12 नेशंस पार्टिसिपेट किए थे एंड सो ऑन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको हम ले लेते हैं एक वेरिएबल में नेशंस ओवर टाइम बोल के, ठीक है। और मुझे अब इसी को प्लॉट करना है, नेशंस ओवर टाइम, इसको मुझे ग्राफ में प्लॉट करना है। सो मैं ग्राफ में प्लॉट करने के लिए क्या यूज करूंगा, प्लॉटली यूज करूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे एक सैम्पल कोड है, मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे सबसे पहले ये इम्पोर्ट लेना है, कॉपी और पेस्ट, और उसके बाद मुझे बस इतना कोड लिखना है, दिस मच कॉपी पेस्ट। इसको मैं एक सिंगल लाइन में लिखता हूँ, यहाँ पे डीएफ के बदले आ जाएगा नेशंस ओवर टाइम, एक्स के बदले आ जाएगा इंडेक्स, और वाई के बदले आ जाएगा आपका क्या था ये ईयर। एक्चुअली थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए, इसको रीनेम कर देना चाहिए, रीनेम कॉलम्स, और कैसे रीनेम करना चाहिए, इंडेक्स को हम बोलेंगे ईयर और ईयर को हम बोलेंगे नंबर ऑफ कंट्रीज, या इसको हम बोल सकते हैं एडिशन, ये रहा। और इसको हम लोग इन प्लेस कर सकते हैं, और अब हम क्या करेंगे, एक्स में डालेंगे
एडिशन लाइक दिस, और यहां पे हम डालेंगे, और कलर एट्रीब्यूट देने की जरूरत नहीं है, और फिर हम लिखेंगे फेक डॉट शो, एंड यू कैन सी दिस इज द ग्राफ. सो मोस्टली जो ग्राफ है वो अपवर्ड्स ही जा रहा है, ठीक है, मोस्टली अपवर्ड्स ही जा रहा है, बट यू कैन सी क्लियरली 1980 वाले में बहुत कम कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था. इसका रीजन ये है, मैंने थोड़ा हिस्ट्री पढ़ा, कि ये जो ओलंपिक्स हुआ था ये हुआ था मॉस्को में. यू कैन सी मॉस्को में हुआ था, और उस टाइम पे बहुत सारे नेशंस ने बॉयकॉट कर दिया था, क्योंकि उस टाइम पे रशिया ने क्या किया था कि वो अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया था, ठीक है, और जिसकी वजह से बहुत सारे जो पार्टिसिपेटिंग नेशंस थे, स्पेशली यूएस वगैरह, उन लोगों ने इसको बॉयकॉट किया था. आई एम नॉट श्योर यूएस ने किया था कि नहीं किया था, बट जो भी था कुछ हिस्ट्री है जिसकी वजह से यहाँ पर आपको बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है. अब बस हमें क्या करना है, ये जो सेम चीज़ हमने यहाँ पे प्लॉट की है, इसको हमें अपने वेब ऐप में प्लॉट करना है. सो गाइज, मैंने एक फंक्शन बना दिया है helper.py में, पार्टिसिपेटिंग नेशंस ओवर टाइम बोल के. इसको अगर आप एक डेटा फ्रेम देते हो तो ये आपको पलट करके एक और डेटा फ्रेम देगा नेशंस ओवर टाइम बोल के. सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस जगह पर यहाँ पर वॉट वी विल डू इज, हम हेल्पर डॉट पार्टिसिपेटिंग नेशंस ओवर टाइम में df को भेजेंगे, और वो मुझे देगा नेशंस ओवर टाइम बोल करके एक डेटा फ्रेम. उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे ये कोड को लिखना है. सो सबसे पहले मैं इसको इम्पोर्ट करूँगा. मेरे केस में यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, आपके केस में एरर आने लगेगा. तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको pip install plotly करना पड़ेगा. pip install plotly, सिंस मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो मुझे एरर नहीं आएगा, और मेरे में आएगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, आपकी केस में वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है. इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको इस कोड को कॉपी करना है, इस कोड को कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है. उसके बाद आपको बस एक लास्ट लाइन लिखना है, st.plotly chart, और यहाँ पे अपने फिगर ऑब्जेक्ट को भेज देना है, एंड दैट्स इट, दिस इज द कोड. हमें क्या करना पड़ेगा, अब एक बार स्ट्रीमलेट रन करना पड़ेगा फिर से, स्ट्रीमलेट रन app.py, और हम वापस जाएंगे और रीलोड करेंगे, और ओवरऑल एनालिसिस में जाएंगे, और यहाँ पर यू कैन सी हमारा ग्राफ हमें दिख रहा है, ठीक है. सो मुझे ये एक्चुअली वाइड मोड चाहिए है और लाइट सेटिंग चाहिए. सो या ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस, ठीक है. सो यहाँ पे बहुत इजीली आप, इट्स अ इंटरैक्टिव ग्राफ, तो आपका यूजर क्या कर सकता है, इसके साथ इंटरैक्ट कर सकता है, और आपको एक डायनामिक सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन पूरे टाइम मिल रहा है, ठीक है. यहाँ पर हम एक काम और कर सकते हैं, इस जगह पर वी कैन राइट st.title पार्टिसिपेटिंग नेशंस ओवर द ईयर्स, ठीक है. ये करने से थोड़ा सा एटलीस्ट यूजर को समझ में आएगा क्या चल रहा है. सो क्लिक किया और ये रहा, दिस इज द ग्राफ, ठीक है. सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है. सो नेक्स्ट हम लोग पता करेंगे कि ओवर द ईयर्स नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हुए सारे ओलंपिक्स में. बहुत सिंपल है गाइज, हमें बस क्या करना है, हमें इस कोड को कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और इस बार आप रीजन के बदले ड्रॉप डुप्लीकेट जो अप्लाई करोगे वो इवेंट कॉलम के ऊपर करोगे, और ये रहा हमारा आउटपुट. 1896 वाले ओलंपिक में 43 इवेंट्स थे, और जो सबसे रिसेंटली रियो में हुआ है उसमें 306 थे, ठीक है. अब आगे का काम भी बिल्कुल सेम है, हमें क्या करना है, बस हमें वापस जाना है हमारे कोड में और यहाँ पे सेम चीज़ को रिपीट कर देना है, ठीक है. सो वॉट वी कैन डू इज, इस फंक्शन के अंदर we can just make a small change, ठीक है. इस function का नाम हम लोग rename करके लिख सकते हैं data over time, और यहाँ पे data के साथ साथ column का value भी जाएगा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, साथ में column का value pass कर देंगे, और column का value था first time region, ठीक है. और यहाँ पे हम लिख देंगे data over time, ठीक है. अब मैं इस पूरे कोड को एज इट इज कॉपी करूंगा
और इसका नाम हो जाएगा इवेंट्स ओवर टाइम। यहाँ पे रीजन के बदले मैं इवेंट भेज दूंगा, सब कुछ सेम है। यहाँ पे भी आ जाएगा इवेंट ओवर टाइम, यहाँ पे एडिशन के बदले आ जाएगा। अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ पे रीनेम करते टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो एडिशन ही रहेगा। यहाँ पे ईयर के बदले हमें जो भी कॉलम मिल रहा है वो भेजना पड़ेगा, तो रीनेम हो करके मिल जाएगा ये। और यहाँ पे एक्स में तो एडिशन ही आएगा, वाई में आएगा इवेंट, और यहाँ पे आ जाएगा इवेंट्स ओवर टाइम। बाकी सब कुछ एग्जैक्टली सेम है। एक काम करते हैं, वापस जाते हैं और रीलोड करते हैं, या फिर डायरेक्टली इस पे क्लिक करते हैं। कोड फट गया, सो एक काम करता हूँ, मैं पॉज करके देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। सो या एरर ये है कि यहाँ पे हमने रीजन लिखा है और यहाँ पे नंबर ऑफ कंट्रीज लिखा है, तो यहाँ पे भी हमें रीजन डालना पड़ेगा। सेकेंड एक चीज़ और है कि यहाँ पे ऑल्दो हम कॉलम को भेज रहे हैं बट इसको यूज़ नहीं कर रहे, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रीजन के बदले कॉलम डाल देंगे, ठीक है। एंड दैट्स द कोड गाइस। अब मैं वापस जा रहा हूँ और इसको रन कर रहा हूँ। ये ओवरऑल एनालिसिस हो गया, एंड यू कैन सी ये रहा ओवर द इयर्स इवेंट्स कैसे वैरी कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग एक चीज और इसमें ऐड कर सकते हैं, सेम टू सेम एथलीट्स ओवर टाइम। सो मैं इस पूरे कोड को कॉपी कर रहा हूँ और सबसे पहले लिखते हैं एथलीट्स, सेम ही होगा सब कुछ, ओवर टाइम। यहाँ पे भी हो जाएगा एथलीट ओवर टाइम, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ पे आप नेम भेजोगे और यहाँ पे एथलीट ओवर टाइम आ जाएगा, और यहाँ पे भी अनफॉर्चुनेटली हमें यहाँ पे नेम लिखना पड़ेगा जो कि सही चीज़ नहीं है, बट अभी कुछ कर नहीं सकते। और चेक करते हैं काम कर रहा है कि नहीं, ये रहा एथलीट्स ओवर टाइम, ठीक है। तो यू कैन सी जैसे हमारा पार्टिसिपेटिंग नेशन वेरी कर रहा है, ऑलमोस्ट वैसे ही वेरी कर रहा है एथलीट्स ओवर टाइम, ठीक है। तो या ऑलमोस्ट 11,000 एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं पिछले 4-5 एडिशन से। सो या ये वाला पार्ट हो गया। सो गाइज नेक्स्ट हम लोग एक हीट मैप प्लॉट करेंगे कि ओवर द ईयर्स हर इवेंट में, आई एम सॉरी, हर स्पोर्ट्स में कितने इवेंट्स हुए। सो यहाँ पर यू कैन सी इस हीट मैप में आपका वाई एक्सिस पे है स्पोर्ट्स का नाम और एक्स एक्सिस पे है ओलंपिक्स, कौन सा एडिशन चल रहा है, ठीक है। तो जैसे अगर आप एथलेटिक्स पे फोकस करो तो जो पहला ओलंपिक था उसमें 12 इवेंट्स हुए एथलेटिक्स में, फिर नेक्स्ट वाले में 23, 24, 21, और अब जाकर के अगर आप देखो सबसे रिसेंट वालों में तो 40+ इवेंट्स होते हैं। तो इस हीट मैप से आपको दो चीज़ें समझ में आएंगी, पहला कि कौन से सबसे ज़्यादा आपके पॉपुलर इवेंट्स हैं और वो कब स्टार्ट हुए ओलंपिक्स में, वो कब ऐड हुए। यू कैन सी बहुत सारे इवेंट्स हैं जो बहुत लेट से स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। जैसे कि आप बैडमिंटन ही देखो, बैडमिंटन बहुत रिसेंटली ऐड हुआ है ओलंपिक में, ठीक है। सिमिलरली आप फुटबॉल अगर देखो, फुटबॉल शुरू से है और इवेंट्स बहुत कम होते हैं, रिसेंटली आई गेस वुमेन्स फुटबॉल ऐड हुआ। क्रिकेट की अगर आप बात करो तो सिर्फ एक सिंगल ओलंपिक में एक सिंगल इवेंट था क्रिकेट का। तो ये हम लोग प्लॉट करना सीखेंगे। सो कैसे करना है, बहुत सिंपल है, मैं आपको दिखाता हूँ कोड। तो आपको ये आपका डेटा फ्रेम है, आपको ड्रॉप डुप्लीकेट्स करना पड़ेगा सबसे पहले, और इस बार आप तीन कॉलम्स के ऊपर ड्रॉप डुप्लीकेट्स करोगे, ईयर स्पोर्ट एंड इवेंट, ठीक है। और इसको आप एक्स बोल सकते हो, ये जो डेटा फ्रेम आपको मिला इसको आप एक्स बोल सकते हो, और अब आप एक्स के ऊपर लगाओगे पिवट टेबल, और पिवट टेबल में आप इंडेक्स में प्रोवाइड करोगे एक कॉलम का नाम जो कि हमारे केस में होगा स्पोर्ट, और आप कॉलम्स में प्रोवाइड करोगे एक दूसरे कॉलम का नाम जो हमारे केस में होगा ईयर, और किस चीज़ की वैल्यू हमें काउंट करनी है वो हम प्रोवाइड करेंगे इवेंट, और हमारा एग्रीगेट फंक्शन क्या होगा वो होगा काउंटिंग, और ये रहा गाइस हमारा पिवट टेबल।
अब इस पिवट टेबल में बहुत सारी एन एन वैल्यूज हैं, तो उसको हम लोग हटा के जीरो कर देंगे. सो वी वुड राइट फिल एन ए जीरो, ठीक है. और ये सब कुछ फ्लोट में है, इसको मैं एस टाइप लगा करके इंट में कन्वर्ट कर दूंगा लाइक दिस. सो दिस इज माई पिवट टेबल. और अब बस मैं क्या करूंगा, आई विल इम्पोर्ट सीबॉन सीबॉन एज एस एन एस, और यहां पे मैं लिखूंगा एस एन एस डॉट हीट मैप. और इस कोड को रन कर देंगे और ये रहा हमारा हीट मैप. बहुत बढ़िया नहीं दिख रहा है क्योंकि साइज बहुत छोटा है, तो मैं पी एल टी डॉट फिगर में फिक्स साइज में पास कर दूंगा 20x20. और ये रहा एक बड़ा सा हीट मैप. अगर आपको उसके अंदर नंबर्स चाहिए तो आप बस यहां पे लिखो एनोटेशन इक्वल्स ट्रू, और अब आपको नंबर्स दिखने लग जाएंगे. एंड यू कैन सी दिस इज द कोड, दिस इज द आउटपुट, ठीक है. अब ये सेम चीज हमें हमारे ऐप में चाहिए, एज इन वेब ऐप में. तो हम वापस जाएंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे हमारी दोनों लाइब्रेरीज इंस्टॉल करेंगे, मैटप्लॉटलिब और सीबॉन. सो आपको कोड लिखना है पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, मैंने पहले से कर रखा है, मुझे रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड बताएगा, आपके केस में इंस्टॉल हो जाएगा. नेक्स्ट यू हैव टू टाइप पिप इंस्टॉल सीबॉन एंड यू कैन सी इंस्टॉल हो गया. ऊपर जाकर के मैं जल्दी से लिखूंगा इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एज पी एल टी एंड इम्पोर्ट सीबॉन एज एस एन एस. हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एस टी डॉट टाइटल के अंदर नंबर ऑफ इवेंट्स ओवर टाइम, ब्रैकेट में लगा देते हैं एवरी स्पोर्ट, ठीक है. और यहां पे अब आप क्या करोगे, आप सबसे पहले लिखोगे फिगर एक्सिस इज इक्वल टू पी एल टी डॉट सब प्लॉट्स, और यहां पे आप फिगर साइज डाल दोगे. सो फिगर साइज हो जाएगा, वी कैन स्टार्ट विथ 20x20. उसके बाद हम लिखेंगे बेसिकली ये जो कोड हमने लिखा था ये हम कॉपी कर लेंगे. सबसे पहले हम ये कोड कॉपी करेंगे, उसके बाद हम ये कोड कॉपी कर लेंगे और इसको हम लोग एक्सेस में स्टोर कर देंगे. और इतना करने के बाद हम सिंपली लिखेंगे एस टी डॉट पाई प्लॉट और यहाँ पे हम अपना फिगर पास कर देंगे. और इस कोड को अगर हम वापस जाके रन करें, हम लोग का टाइम आउट हो गया ये. सो यहाँ पे हमें फिर से स्ट्रीमलेट रन ऐप डॉट पी वाई रन करना पड़ेगा. नाउ वी विल सेलेक्ट ओवरऑल एनालिसिस एंड यू कैन सी गाइस दिस इज द हीट मैप जो हमें वहाँ पे दिख रहा था. और या एक दो इंटरेस्टिंग चीज़ें जो मुझे दिखाई थी वो ये है कि ओलंपिक्स में आर्ट कॉम्पिटिशन्स भी होते थे जो कि यहाँ तक काफ़ी पॉपुलर थे, अराउंड 18 इवेंट्स होते थे और फिर वो बंद हो गए. जितना मैंने पढ़ा है इट्स समथिंग रिलेटेड टू नाजी जर्मनी, आप थोड़ा और पढ़ सकते हो उसके बारे में. एथलेटिक्स इज वन ऑफ द इवेंट्स जो थ्रू आउट फेमस था, जिसकी वजह से ओलंपिक्स चलते हैं. आज के डेट में भी सबसे पॉपुलर इवेंट्स 100 मीटर स्प्रिंट हुआ, रिले रेस हुआ और जैवलिन वगैरह हुआ, शॉट पुट हुआ, ये सब बहुत ज़्यादा फेमस है आज के डेट में. कुछ सरप्राइजिंग चीज़ें जो मुझे दिखाई दी वो था कि बैडमिंटन बहुत रिसेंटली ऐड हुआ है, टेनिस शुरू में था फिर बीच में बंद हो गया और फिर दोबारा ऐड हुआ. तो कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स यहाँ पर हैं, आप रुक करके देख सकते हो. सो नेक्स्ट गाइज हम लोग एक टेबल सॉर्ट ऑफ बनाएंगे कि ओलंपिक्स में सबसे डेकोरेटेड एथलीट्स कौन से हैं, एज इन सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल एथलीट्स कौन से हैं जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं, ठीक है. सो एक्चुअली आउटपुट कुछ ऐसा होगा, जैसे यू कैन आई थिंक आपको पता भी होगा कि माइकल फेलिप्स जो स्विमर है यूएस का, उसने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं, 28 गोल्ड मेडल्स, जिसमें से आई गेस 21 या 23 गोल्ड मेडल्स हैं. और उसके बाद दीज आर द लिस्ट ऑफ अदर एथलीट्स, ठीक है. मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक ऐसा फंक्शन बनाऊंगा कि उसमें आप इनपुट में स्पोर्ट्स बता पाओगे.
तो आप जैसे ही स्पोर्ट्स बताओगे तो स्पोर्ट्स से फिल्टर हो जाएगा डेटा. सो अगर आपने स्विमिंग दिया तो माइकल फेलिप्स सबसे ऊपर आएगा, अगर आपने जिमनास्टिक्स दिया तो फिर ये एथलीट सबसे ऊपर आएगा. ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें एक फंक्शन बनाना है मोस्ट सक्सेसफुल बोल के. इसको दो चीजें मिलेंगी, डेटा फ्रेम मिलेगा और स्पोर्ट का वैल्यू मिलेगा. ठीक है, अगर स्पोर्ट का वैल्यू, अच्छा सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारा जो डेटा फ्रेम है फिलहाल, हमारा जो डेटा फ्रेम है उसमें अगर आप फोकस करो तो मेडल वाले कॉलम में बहुत सारे NN वैल्यूज हैं. अब ऑब्वियसली अगर आपको सबसे सक्सेसफुल एथलीट्स निकालने हैं तो NN वाले रोज की कोई जरूरत नहीं है. सो बेसिकली ये एथलीट मेरे काम का नहीं है क्योंकि इसने मेडल नहीं जीता, मुझे सिर्फ वही एथलीट्स चाहिए जिन्होंने मेडल जीता है. सो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पर आई विल राइट टेम्प DF इज इक्वल टू DF डॉट ड्रॉप NA, और यहाँ पर आ जाएगा सबसेट. मैं एक्चुअली पैरामीटर्स भूल जाता हूँ, ड्रॉप NA, और यहाँ पे आ जाएगा सबसेट, या सबसेट आएगा और सबसेट में होगा मेडल. सो वो सारे रोज ऑटोमेटिकली हट जाएंगे जहां पे मेडल का वैल्यू NAN है. ठीक है, और अब मैं चेक करूंगा इफ स्पोर्ट इज इक्वल टू एक्चुअली इफ नॉट इक्वल टू ओवरऑल, अगर ओवरऑल नहीं है तो टेम्प DF का वैल्यू होगा टेम्प DF स्पोर्ट इक्वल टू स्पोर्ट का जो भी वैल्यू है मैं फिल्टर आउट कर दूंगा लाइक दिस. तो अगर कोई एक पर्टिकुलर स्पोर्ट है तो मैं उसको फिल्टर आउट कर दे रहा हूँ, सिर्फ वही रोज रख रहा हूँ जहां पे स्पोर्ट का वैल्यू वही है जो यूजर ने मांगा. ठीक है, अब यहाँ से मेन काम स्टार्ट होता है. तो मुझे करना कुछ नहीं है, मुझे बस सिंपली काउंट कर लेना है. तो व्हाट आई विल डू इज आई वुड राइट टेम्प DF, और मैं क्या करूंगा, मैं ड्रॉप डुप्लीकेट्स यूज करूंगा. नहीं, अब तो मुझे ड्रॉप डुप्लीकेट्स यूज करने की भी जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, मेरा जो नेम वाला कॉलम है मैं उसके ऊपर डायरेक्टली वैल्यू काउंट्स लगा सकता हूँ. राइट, और हम इसको ही रिटर्न कर सकते हैं. सो दिस इज द फंक्शन, एक बार इसको चला के देखते हैं, मोस्ट सक्सेसफुल, और यहाँ पे मैं भेज रहा हूँ ओवरऑल, और यहाँ पे मुझे ऑब्वियसली मेरा डेटा फ्रेम भेजना है, और कुछ एरर आ रहा है, इंडेक्स मस्ट बी कॉल्ड विद अ कलेक्शन ऑफ सम काइंड, मेडल वॉज पास्ट, कुछ तो बग आ रहा है. DF डॉट ड्रॉप NA, अच्छा यहाँ पर एक्चुअली ये चीज को हमें एक लिस्ट में पास करना पड़ेगा. तो याद है ये रहा गाइस हमारा आउटपुट, बिल्कुल वही आ रहा है जो ऊपर आ रहा था. हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले मुझे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना है, जैसे कि मुझे निकालना है कि वो कौन से स्पोर्ट में था और कौन से रिलीजन रीजन में था. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें सबसे पहले इसको रीसेट इंडेक्स करना पड़ेगा. रीसेट इंडेक्स करने से क्या होगा कि ये डेटा फ्रेम बन जाएगा. ठीक है, अब मुझे इसको क्या करना है, इसको नाम के बेसिस पे ज्वाइन करना है. सो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा मर्ज ऑन टॉप ऑफ DF, DF के ऊपर ही मर्ज कर दूंगा मैं लिखूंगा लेफ्ट ऑन ऑन इंडेक्स, यहाँ पे कॉलम का नाम इंडेक्स है, और राइट ऑन विल बी नेम. उसके पहले मैं क्या करूंगा कि मैं हेड 15 कर दूंगा, टॉप 15 एथलीट्स निकालूंगा, और जब मर्ज हो जाएगा तो मर्ज होने के प्रोसेस में मैं ये भी बताऊंगा कि हाउ क्या होगा, हाउ होगा लेफ्ट. सो यू कैन सी अब मेरे पास कुछ आ रहा है. अब मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इसमें से मेरे काम के कॉलम्स निकालूंगा, जैसे कि इंडेक्स, उसके बाद नेम अंडरस्कोर एक्स, उसके बाद मैं निकालूंगा स्पोर्ट, और उसके बाद मैं निकालूंगा रीजन. ये रहा, अब सिंस हमने ज्वाइन किया है तो ये रिपीट होने लग गया. तो मैं क्या करूंगा, इसके आगे ड्रॉप डुप्लीकेट्स लगा दूंगा, ड्रॉप डुप्लीकेट्स, और मैं डुप्लीकेट्स को हटाऊंगा इंडेक्स के बेसिस पे,
लाइक दिस, और ये रहा मेरा आउटपुट, ठीक है, ये रहा मेरा आउटपुट। अगर मुझे जिमनास्टिक्स के लिए देखना है तो आई विल कॉपी एंड आई विल रिमूव दिस, ये रहे मेरे जिमनास्टिक्स के सबसे सही एथलीट्स, ठीक है। बस एक प्रॉब्लम है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस पूरी चीज को एक्स में डाल रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्स डॉट रीनेम, और रीनेमिंग के प्रोसेस में आई वुड राइट कॉलम्स इज इक्वल टू अ डिक्शनरी, यहाँ पे इंडेक्स के बदले आएगा नेम, और नेम एक्स के बदले आएगा मेडल्स। इनवैलिड सिंटेक्स, यहाँ पे कोलोन आएगा, और इतना करने के बाद यहां पर हो जाएगा इन प्लेस इक्वल्स ट्रू एंड आई विल रिटर्न एक्स। सो या गाइस, दिस इज द आउटपुट, दिस इज द आउटपुट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस चीज को इंटीग्रेट कर देना है हमारे कोड में, तो उसके लिए बस मैं इस कोड को कॉपी कर रहा हूँ, आई विल गो बैक और हेल्पर डॉट पी वाई में आई विल क्रिएट दिस फंक्शन लाइक दिस, आई विल क्रिएट दिस फंक्शन, और फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और मैं लिखूँगा एस टी डॉट टाइटल मोस्ट सक्सेस फुल एथलीट्स, यहाँ पे मैं लिखूंगा हेल्पर डॉट मोस्ट सक्सेसफुल डी एफ ओवरऑल, और वहां से मुझे रिटर्न मिलेगा एक्स, और मैं एक्स को प्रिंट कर दूंगा यूजिंग एस टी डॉट टेबल एक्स, दैट्स द कोड, लेट्स सी, रीरन किया, यहाँ पे ओवरऑल एनालिसिस पे क्लिक किया और ये रहा गाइस हमारा आंसर, ठीक है। अब बस हमें एक काम करना है, हमें यहाँ पर एक फिल्टर ऐड करना है जहाँ पे ड्रॉप डाउन में मुझे सारे स्पोर्ट्स का ऑप्शन मिलेगा और उसमें मैं सेलेक्ट कर पाऊंगा कोई एक पर्टिकुलर स्पोर्ट को। ओके गाइस, अब एक लास्ट काम बच गया कि हमें एक ड्रॉप डाउन देना है यूजर को जहाँ पर उसको सारे स्पोर्ट्स का लिस्ट मिलेगा जहाँ से वो एक पर्टिकुलर स्पोर्ट सेलेक्ट कर सकता है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा डी एफ के अंदर से स्पोर्ट वाले कॉलम की सारी यूनिक वैल्यूज को मैं फेच कर रहा हूँ, उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और ये जो लिस्ट मुझे मिल रहा है इसको मैं स्पोर्ट लिस्ट बुला रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, इस स्पोर्ट लिस्ट को पहले तो सॉर्ट करना है, स्पोर्ट लिस्ट डॉट सॉर्ट करने से परमानेंट सॉर्ट हो जाएगा। फिर मुझे यहाँ पे शुरू में एकदम पहली वैल्यू जो रखनी है वो ओवरऑल रखनी है, तो मैं लिखूंगा स्पोर्ट लिस्ट डॉट इंसर्ट जीरोथ पोजिशन पे जो वैल्यू होगी वो होगी ओवरऑल, ठीक है, इतना हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक सेलेक्ट बॉक्स ओपन करना है, सो मैं सेलेक्ट बॉक्स ओपन करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं सेलेक्ट अ स्पोर्ट, और यहाँ पे मैं सारे ऑप्शंस दे दूंगा, और जो भी यूजर सेलेक्ट करेगा उसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा बाय द नेम ऑफ सेलेक्टेड स्पोर्ट, और ओवरऑल के बदले अब मैं यहाँ पे डाल दूंगा सेलेक्टेड स्पोर्ट को, ठीक है, एंड दैट्स द कोड। अब अगर हम वापस जाते हैं और इस कोड को रीरन करते हैं और ओवरऑल एनालिसिस पे क्लिक करते हैं, और ये रहा हमारा ड्रॉप डाउन, ठीक है। सो ओवरऑल दिखाई दे रहा है, यहाँ से अगर हम सेलेक्ट करें लेट्स से एथलेटिक्स, तो कहीं ना कहीं हुसैन बोल्ट का नाम आना चाहिए, लेट्स सी आ रहा है कि नहीं, और जमैकन है, सो ये रहा। सो या एक और कोई स्पोर्ट्स देखते हैं लाइक लेट्स सी क्रिकेट, सो क्रिकेट ऑल दो टीम इवेंट है बट यहाँ पे वही प्रॉब्लम है डेटा सेट में कि हर प्लेयर को मान लिया जाता है कि मेडल मिला है, और सरप्राइजिंग बात यह है कि फ्रांस ने भी कुछ जीता है, सो या वियर्ड है। सो या गाइस, ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट गाइस, हम लोग कंट्री वाइज एनालिसिस करेंगे और हम लोग ये तीन चीज़ें करेंगे कंट्री वाइज एनालिसिस में। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि कंट्री वाइज मेडल टैली पर ईयर कैसा था एक लाइन प्लॉट के थ्रू, उसके बाद हम लोग निकालेंगे कि कोई भी कंट्री के स्पोर्ट्स में अच्छी है, ठीक है, यूजिंग अ हीट मैप, और फिर हम लोग उस कंट्री के टॉप 10 सबसे सक्सेसफुल एथलीट्स का नाम निकालेंगे, ठीक है, इतना एनालिसिस हम लोग करेंगे। सो सबसे पहले हम इसके ऊपर फोकस करेंगे कंट्री वाइज मेडल टैली पर ईयर, ठीक है। तो मुझे हर ओलंपिक एडिशन में उस कंट्री ने कितना
मेडल जीता है इसका लाइन प्लॉट बनाना है, मतलब एक्स एक्सिस पे ईयर होगा और वाई एक्सिस में होगा कि उस पर्टिकुलर ईयर में कितने ओलंपिक मेडल जीते। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मेरे पास ये मेरा डेटा फ्रेम है, दिस इज माई डेटा फ्रेम। अब इस डेटा फ्रेम में हमें उन रोज को सबसे पहले हटाना है जहाँ पे मेडल में NAN है। सोच के देखो, अगर मुझे मेडल टैली कैलकुलेट करना है तो उन रोज की जरूरत नहीं है जहाँ पे मेडल नहीं जीते गए, तो वो मैं कैसे निकालूंगा, मैं लिखूंगा ड्रॉप NA सबसेट इक्वल टू मेडल, और ये मुझे दे देगा एक ऐसा डेटा फ्रेम जिसमें कहीं भी मेडल में NAN वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं टेम डीएफ। अब मुझे काउंट करना है हर साल कितने मेडल्स जीते हैं, बट उसके पहले मुझे जो टीम स्पोर्ट्स होते हैं, मैंने ये प्रॉब्लम शुरू में भी आपको बताया था कि यहाँ पे अगर टीम स्पोर्ट्स में कोई टीम जीती है तो उसके हर टीम को गोल्ड या सिल्वर या ब्रॉन्ज दिया जाता है, जो कि सही नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये कोड लिखेंगे टेम्प डी एफ डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स, ये कोड हम पहले भी लिख चुके हैं, और यहाँ पे होगा सबसेट इक्वल टू दिस। ठीक है, और ये होगा इन प्लेस इक्वल्स ट्रू। ठीक है, अब मेरे पास मेरा टेम्प डीएफ में सिर्फ वही रोज हैं जो मुझे चाहिए हैं। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगा ग्रुप बाय, और ईयर वाले कॉलम के ऊपर काउंट, और फिर मैं मेडल वाला कॉलम एक्सट्रैक्ट कर लूंगा, और ये ना मेरा आंसर ईयर वाइज। अच्छा, लेकिन एक चीज हमने मिस कर दी, और वो ये है कि हमने फिल्टर नहीं किया, हमें कंट्री के बेसिस पे फिल्टर भी करना है। तो हम ये कोड लिखेंगे टेम्प डी एफ इज इक्वल टू, या रादर टेम्प डी एफ रीजन इक्वल टू यूएसए। मान लो हम यूएसए का निकाल रहे हैं, और इसको हम बोल सकते हैं न्यू डी एफ, और फिर हम न्यू डी एफ के ऊपर ये निकालेंगे। तो अभी हम यूएसए के लिए निकाल रहे हैं ईयर वाइज, एंड यू कैन सी दिस इज यूएसए का ईयर वाइज। अगर आप देखो 2016 में तो यूएसए वॉन 121 तो ओवरऑल मेडल्स, जो कि हमारे डेटा में भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इंडिया कर दूं तो इंडिया ने 2016 में दो मेडल्स जीते थे। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, इसको रीसेट इंडेक्स कर देते हैं, इससे ये डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको हम बुला सकते हैं फाइनल डीएफ। अब बस मुझे लाइन प्लॉट प्लॉट करना है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैंने ऊपर एक लाइन प्लॉट बना रखा है यूजिंग प्लॉटली, इस कोड को मैं कवर करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। इस जगह पे आई वुड राइट फाइनल डीएफ, और यहाँ पे आई वुड राइट ईयर, और यहाँ पे आई वुड राइट मेडल, और ये रहा गाइस इंडिया का ग्राफ, जो कि मोस्टली एक ही मेडल पे रहता है। 2012 में 6 मेडल्स आए थे, और उसके बाद फिर 2 मेडल्स आए थे, राइट? सो या दैट इज हाउ यू विल डू दिस। ठीक है, अब हमें ये सेम काम करना है हमारे वेब ऐप के ऊपर, तो आई विल गो टू पाइचाम, विल गो टू helper.py, और उसके बाद हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे, इसका नाम होगा ईयर वाइज मेडल टैली। इसको df मिलेगा, इसको कंट्री मिलेगा, और यहाँ पे हमारा कोड हम देखेंगे कॉपी पेस्ट, यहाँ पे सब कुछ ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम ये लिखेंगे, यहाँ पे इंडिया के बदले आ जाएगा कंट्री जो भी हमें यूज़र देगा, और ये जो फाइनल डीएफ है यही हम रिटर्न कर देंगे लाइक दिस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ जाना है, और सबसे पहले तो हमें एक नया इफ स्टेटमेंट बनाना है फॉर कंट्री वाइज एनालिसिस। सो आई विल कॉपी दिस and I will go down and I will write if user menu is equal to
कंट्री वाइज एनालिसिस, देन सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें हेल्पर डॉट ईयर वाइज मेडल टैली में DF, और लेट्स से हम अभी हम हार्ड कोड कर रहे हैं USA, और ये पलट के मुझे कंट्री DF मिलेगा, और मुझे कंट्री DF को प्रिंट करना है, और प्रिंट करना है यूजिंग दिस कोड. सो आई विल कॉपी दिस एंड पेस्ट इट ओवर हियर, और यहाँ पे आ जाएगा कंट्री DF, यहाँ पे आ जाएगा ईयर, और यहाँ पे आ जाएगा मेडल. मेडल टैली ओवर द ईयर्स, या दिस इज द कोड. ठीक है, अब मैं वापस जाता हूँ और इसको रन करता हूँ. सो दिस इज द कोड. वी विल सेलेक्ट कंट्री वाइज एनालिसिस एंड यू कैन सी ये रहा US का आउटपुट. ठीक है, दिस इज द आउटपुट. यहाँ पे हम लिख सकते हैं. अच्छा, एक काम और करना पड़ेगा अभी, और वो ये है कि हमें एक ड्रॉप डाउन देना पड़ेगा जहाँ से यूजर कंट्री सेलेक्ट कर पाएगा. तो गाइस, सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे ST डॉट टाइटल के अंदर कंट्री वाइज एनालिसिस. उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे DF रीजन डॉट यूनिक निकालूंगा. रीजन कॉलम से सारी यूनिक वैल्यूज निकालूंगा, उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दूंगा लाइक दिस, और इसको मैं बुलाऊंगा कंट्री लिस्ट. और मैं कंट्री लिस्ट को सॉर्ट भी कर दूंगा अल्फाबेटिकली, और उसके बाद मैं लिखूंगा ST डॉट सेलेक्ट बॉक्स सेलेक्ट कंट्री, और यहाँ पे मैं भेज दूंगा कंट्री लिस्ट को. और जो भी यूजर सेलेक्ट करेगा उसको मैं उसको मैं स्टोर कर दूंगा इन दिस वेरिएबल कॉल्ड सेलेक्टेड कंट्री. और फिर मैं USA के बदले आई वुड सेंड सेलेक्टेड कंट्री, और यहाँ पर भी मैं लिखूंगा सेलेक्टेड कंट्री प्लस मेडल टैली ओवर द ईयर्स. दिस इज द कोड. सो इफ आई गो बैक एंड ओके, सो द प्रॉब्लम इज कि रीजन में नैन वैल्यूज भी हैं, तो हमें पहले नैन वैल्यूज को हटाना पड़ेगा. सो कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा, हमें बस इस कॉलम के ऊपर ड्रॉप NL फंक्शन को कॉल कर देना है और ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा. एंड दैट्स द कोड गाइस. अब एक बार इसको रन करते हैं. ये देखो आ गया. यहाँ से वी कैन सेलेक्ट सम कंट्री लाइक लेट्स से ब्राज़ील हम सेलेक्ट करते हैं, और ये ब्राज़ील का मेडल टैली ओवर द ईयर्स. ठीक है, यहाँ से यू कैन क्लियरली सी हर ओलंपिक ईयर में कितना ये लोग जीता. वी कैन ऑल्सो सेलेक्ट लेट्स से बेल्जियम या कोई और कंट्री, लेट्स से चेक रिपब्लिक देखते हैं. या राइट, और एक काम और करते हैं, ये ड्रॉप डाउन को हम यहाँ ले आते हैं. सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ST डॉट साइड बार, और यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा ST डॉट साइड बार, उससे ये दोनों चीज़ें यहाँ आ जाएंगी और ग्राफ यहाँ पे दिखने लगेगा. ठीक है, फ्रांस. या एक एक्सेप्शनल ईयर, बट उसके बाद स्टेडी डिक्लाइन और फिर स्टेडी राइज. ठीक है, दिखाई दे रहा है सही से हर कंट्री का जर्नी. सो गाइज, नेक्स्ट हम लोग एक हीट मैप जनरेट करेंगे जैसा आपकी स्क्रीन पर है. ये हीट मैप है, एक कंट्री किस स्पोर्ट्स में अच्छा है ये बताएगा. जैसे ये आपके स्क्रीन पे चाइना का हीट मैप है, यहाँ पर आप देखो वाई एक्सिस पे स्पोर्ट्स का नाम है और एक्स एक्सिस पे अलग अलग ओलंपिक एडिशंस हैं, और इसको देख करके समझ में आ रहा है कि हर साल किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट में उस कंट्री ने कितने मेडल्स जीते, और फिर आपको ओवरऑल हीट मैप से समझ में आ रहा है कि ओके इस पर्टिकुलर स्पोर्ट में ये कंट्री अच्छा है. जैसे अगर आप चाइना का बात करो तो शूटिंग में दे आर रियली गुड,
ठीक है, टेबल टेनिस में भी दे आर गुड, वेट लिफ्टिंग में भी दे आर गुड, और डाइविंग में, जिमनास्टिक्स में, और एथलेटिक्स और बैडमिंटन में, इन स्पोर्ट्स में दे एक्सेल, दे आर लाइक रियली गुड. ठीक है, तो ऐसा हमें किसी भी कंट्री के लिए प्लॉट करना है. तो कैसे प्लॉट होगा? बहुत सिंपल है. आपको सबसे पहले तो यही दो कोर्ट चाहिए जो आपने अभी लिखा. सबसे पहले आपको ये टेम्प डीएफ चाहिए, सिर्फ वही रोज जहाँ पे मेडल का कोई वैल्यू है. ड्रॉप डुप्लीकेट्स कर देंगे और न्यू डीएफ ऑन द बेसिस ऑफ लेट्स से इंडिया है या कोई भी और कंट्री है. इस कोड को मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ. ठीक है, और अब ये जो नया डेटा फ्रेम आपको मिलेगा उसके ऊपर आपको बस पिवट टेबल फंक्शन को रन करना है. इंडेक्स में आप प्रोवाइड करोगे स्पोर्ट वाला कॉलम, कॉलम्स में आप प्रोवाइड करोगे ईयर, वैल्यूज में आप प्रोवाइड करोगे मेडल, आपका एग्रीगेट फंक्शन होगा काउंट, एंड दैट्स इट. दिस इज योर पिवट टेबल. ये रहा इंडिया का पिवट टेबल. काफी कम स्पोर्ट्स खेलते हैं हम, और इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, फिल एन ए लगा करके जीरो कर सकते हैं, और फिर इस पूरी चीज को हम लोग SNS.heatmap में भेज सकते हैं लाइक दिस. ये रहा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा PLT.figure फिग साइज इक्वल्स 10 by 10, 20 by 20 कर देते हैं. ये रहा, और एनोटेशन ट्रू कर देते हैं. ये रहा गाइस, सो इंडिया काफी बढ़िया था ओलंपिक्स में. लगातार 10-11 ओलंपिक्स में मेडल्स जीते हमने, और लेटली रेसलिंग में हमें मेडल्स मिल रहे हैं. तो बहुत बढ़िया ग्राफ नहीं है. एक काम करते हैं, मैं आपको यूके का ग्राफ दिखाता हूँ, ग्रेट ब्रिटेन का. ये देखो, ये यूके का ग्राफ है जो काफी शुरू से पार्टिसिपेट कर रहा है, और इसको देख के समझ में आ रहा है कि एथलेटिक्स में दे आर गुड, थ्रू आउट उन्होंने मेडल्स जीते हैं. साइकिलिंग में रिसेंटली मेडल जीतने लग गए हैं, मे बी कुछ नए प्लेयर्स आए होंगे, और या दैट्स इट. थोड़ा सा रोइंग में ये लोग अच्छा है, पहले अच्छा था, बीच में उतना अच्छा नहीं था, फिर बाद में फिर से ठीक हो गया. एंड दैट्स इट, दैट इज हाउ यू विल बिल्ड दिस हीट मैप. ठीक है, तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बना देते हैं हेल्पर में. इस फंक्शन का नाम होगा डेफ कंट्री इवेंट हीट मैप. यहाँ पे मुझे चाहिए पड़ेगा मेरा डेटा फ्रेम एंड कंट्री का नाम. पहले दो लाइंस, इनफैक्ट पहले तीन लाइंस बिल्कुल सेम होंगे लाइक दिस. उसके बाद ये पिवट टेबल तक कोड सेम रहेगा. इसको हम बोलते हैं पीटी एज इन पिवट टेबल, और ये फंक्शन इस पिवट टेबल को रिटर्न कर देगा. अब मैं वापस जाऊंगा और यहां पर मैं लिखूंगा पीटी इज इक्वल टू हेल्पर डॉट कंट्री इवेंट हीट मैप डीएफ सेलेक्टेड कंट्री, और उसके बाद मुझे बस इस हीट मैप को प्रिंट करना है. सो व्हाट आई विल डू इज, ये हमने थोड़ी देर पहले भी किया था, ये कोड लिखेंगे हम, कॉपी पेस्ट. उसके बाद ये पूरा कोड बस, हमें इतना कुछ देने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ पर पिवट टेबल दे देना है, एनोटेशन ट्रू कर देना है, और इतना करने के बाद हम लिखेंगे st.pyplotfigure लाइक दिस. और st.title हम लोग यहाँ भी कॉपी कर लेते हैं,
यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्टेड कंट्री एक्सेल्स इन द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, ठीक है, दिस इज द कोड, लेट्स गो बैक टू आर ऐप, और ये रहा वेनेजुएला का। अगर हम कुछ और सेलेक्ट करें, लेट्स से यूके सेलेक्ट करें, ये यूके का ग्राफ है और ये रहा सेम ग्राफ यूके का एथलेटिक्स। एक बार फ्रांस चेक कर लेते हैं, ये रहा फ्रांस फेंसिंग में अच्छा है। एक बार चाइना चेक कर लेते हैं, या सो चाइना पहली बार 84 ओलंपिक्स में आया था और उसके बाद से वो लोग कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रहे हैं, और ये रहा उनका कर्व, ठीक है। सो ये वाला फीचर भी हमने कंप्लीट कर लिया। सो गाइज, नेक्स्ट हमें निकालना है किसी भी कंट्री के सबसे सक्सेसफुल टॉप 10 एथलीट्स को, ठीक है। द गुड पार्ट इज कि हमने ऐसा ही कुछ थोड़ी देर पहले भी किया था, जहाँ पे हमने स्पोर्ट्स के बेसिस पे टॉप एथलीट्स को निकाला था। अगर आपको याद होगा तो उसका कोड मैंने यहाँ पे ऊपर कहीं लिखा है, जस्ट वन सेकेंड, या मोस्ट सक्सेसफुल, जिसमें हमको डेटा फ्रेम मिल रहा था और स्पोर्ट मिल रहा था। मैं इस पूरे को कॉपी कर लूँगा और इसी में चेंजेस कर दूंगा। यहाँ पर स्पोर्ट के बदले मुझे मिलेगा रीजन, या कंट्री बोल सकते हैं, कंट्री एज इनपुट मिलेगा, और ये कोड ऐसा ही रहेगा, ओवरऑल के बेसिस पे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे स्पोर्ट के बदले आ जाएगा रीजन कॉलम, और उसका वैल्यू होगा जो भी कंट्री के अंदर हमें मिलेगा, और सब कुछ सेम है। यहाँ पे हमें रीजन रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एनीवेज सारे एथलीट सेम रीजन के होंगे। दिस इज द कोड। अब हम लिखेंगे मोस्ट सक्सेसफुल डीएफ इंडिया में, देखते हैं, ये रहा। सो देयर इज दिस गाय लेस्ली वॉल्टर क्लॉडियस, जिसने 4 मेडल्स जीते हॉकी में। ऑल्दो ये इंडियन लग नहीं रहा, ये ब्रिटिशर होगा जो इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया होगा। उधम सिंह खुल्लर, हरबिंदर सिंह चिमनी, ये सारे हॉकी वाले हैं, इनफैक्ट सारे ही हॉकी में ही जीते हैं। और इसमें ध्यानचंद होना चाहिए, ये रहे ध्यानचंद। वी कैन राइट यूएसए, माइकल फेलिप्स आना चाहिए, ये रहा माइकल फेलिप्स। अगर आप जमैका लिखो तो यहाँ पे आना चाहिए उसेन बोल्ट, ये रहा। सो या गाइस, ये रहा हमारा फंक्शन, इसको हम कॉपी कर रहे हैं और हम जा रहे हैं यहाँ पर हेल्पर में। हम एक फंक्शन बना रहे हैं मोस्ट सक्सेसफुल कंट्री वाइज, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं हम लोग, हम लिख रहे हैं, वहाँ से हमें रिटर्न में एक डेटा फ्रेम मिल रहा है, लेट्स कॉल इट टेम्प डीएफ, या टॉप 10 डीएफ बोल सकते हैं। टॉप 10 डीएफ इज इक्वल टू हेल्पर डॉट मोस्ट सक्सेसफुल कंट्री वाइज डीएफ दे रहे हैं, सेलेक्टेड कंट्री का नाम दे रहे हैं, और एसटी डॉट टेबल के अंदर प्रिंट कर दे रहे हैं टॉप 10 डीएफ को, और इसके ऊपर लिख रहे हैं एसटी डॉट टाइटल टॉप 10 एथलीट्स ऑफ प्लस सेलेक्टेड कंट्री, ठीक है। और अब अगर मैं वापस जाऊं इतना कोड करके हमारे ऐप के अंदर, और जैसे यहाँ पे जमाइका मैंने सेलेक्ट कर रखा है, तो यहाँ पे, अच्छा नहीं, चाइना ही है अभी, जमाइका, एंड यू कैन सी ये जमाइका का मेडल टैली ओवर द इयर्स, कौन से स्पोर्ट्स में अच्छे हैं। एक्चुअली लोग दो ही स्पोर्ट्स खेलते हैं, एथलेटिक्स और साइकिलिंग। एथलेटिक्स में दे आर एक्सेप्शनल, टॉप 10 एथलीट्स ऑफ जमाइका, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इंडिया डाल दो तो ये रहा इंडिया का मेडल कर्व। इंडिया बढ़िया है हॉकी में, था बढ़िया हॉकी में, और ये रहा हमारे टॉप 10 तो नहीं दिख रहे, ये 15 है ये शायद, तो हम हेल्पर में जा करके 15 के बदले यहाँ पे 10 कर देंगे, और अब यू वुड सी 10 एथलीट्स लाइक दिस, ठीक है। सो या ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया।
अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे मूव करेंगे, दैट इज एथलीट वाइज एनालिसिस। सो गाइज नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे एथलीट वाइज एनालिसिस, ठीक है। सो जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास जो डेटा सेट है उसमें एथलीट्स के बारे में भी काफी इंफॉर्मेशन है। लेट मी शो यू। सो सेक्स कॉलम, एज कॉलम, हाइट एंड वेट कॉलम, ये चार एट्रीब्यूट्स के ऊपर हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको प्लॉट करके दिखाने वाला हूँ, एक डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट, ठीक है, किस चीज का, एथलीट्स के एज का। ओके, सो दिस इज द पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एथलीट्स का एज हु हैव पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक्स। यहाँ पर हम और भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर सकते हैं, जैसे गोल्ड मेडलिस्ट जितने हैं उनका एज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, सिल्वर मेडलिस्ट जो हैं उनके एज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट का एज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ठीक है। ये ग्राफ बेसिकली ये बताता है कि किसी एक पर्टिकुलर एज में आपका गोल्ड मेडल जीतने का या सिल्वर मेडल जीतने का प्रोबेबिलिटी कितना है। सो यू कैन सी आप जितना 20 to 30 के बीच में हो वहीं पर पीक एज है, जहाँ पे आप सबसे ज्यादा चांसेस है कि आप मेडल जीत सकते हो, ठीक है। तो ये करना कैसे है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमें प्लॉटली से ये लाइब्रेरी चाहिए, और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें बेसिकली एक सिंपल सा कोड लिखना है। सो वो कोड कुछ ऐसा है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले एथलीट्स का नाम निकालेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे डेटा में एथलीट्स का नाम रिपीट हो रहा है। जैसे एक एथलीट अगर मल्टीपल ओलंपिक्स में खेला है तो उसका नाम बार बार आ रहा है, तो मुझे सबसे पहले वो डुप्लीकेट्स को हटाना है। तो वो मैं कैसे हटाऊंगा, मैं लिखूंगा ड्रॉप डुप्लीकेट्स, और जो सबसेट होगा मतलब किस चीज के बेसिस पे डुप्लीकेट्स हटाने हैं, पहला नेम के बेसिस पे और साथ ही साथ रीजन के बेसिस पे, और इससे मुझे मेरे एथलीट्स मिल जाएंगे अराउंड 116,000। इसको मैं एक दूसरे डेटा फ्रेम में स्टोर कर रहा हूँ एथलीट डीएफ बोल के। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एथलीट डीएफ के अंदर एज कॉलम को निकालेंगे, कॉपी, इसमें से एज कॉलम को निकालेंगे। अब इसमें कई सारी मिसिंग वैल्यूज हैं तो हम उनको ड्रॉप एनए से हटा देंगे, और फिर हम क्या करेंगे, हम ff डॉट क्रिएट टेस्ट प्लॉट फंक्शन को कॉल करेंगे, और यहाँ पर एक लिस्ट के अंदर हम इस चीज़ को भेज देंगे, कट पेस्ट, और यहाँ पर एक लिस्ट के अंदर मैं बता दूंगा ये क्या है, एज डिस्ट्रीब्यूशन, और इतना करके मैं लिखूंगा, इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा, आई कॉल इट फिगर एंड आई वुड राइट फिगर डॉट शो एंड दिस विल गिव मी द सेम ग्राफ एंड यू कैन सी दिस इज द ग्राफ। यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है, जैसे हिस्टोग्राम प्लॉट हो गया और रग प्लॉट प्लॉट हो गया। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स होते हैं, शो हिस्ट, इसको फॉल्स कर देंगे, शो रग, इसको भी फॉल्स कर देंगे, और अब इसको रन करेंगे एंड यू कैन सी दिस इज द कर्व, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर मुझे प्लॉट करना है गोल्ड मेडल विनर्स और सिल्वर मेडल विनर्स को, तो कुछ नहीं करना है मुझे, मुझे बेसिकली क्या करना है कि इस चीज को मान लेते हैं हम, कट किया, इस चीज को हम एक्स वन बुला रहे हैं लाइक दिस। फिर हम एक्स टू कैसे निकालेंगे, एक्स टू होगा ये चीज मेटल गोल्ड कॉपी, फिल्टर कर रहा हूं मैं बेसिकली, सिर्फ वो रोज निकाल रहा हूं जहां पे मेटल का वैल्यू गोल्ड है, और फिर उन रोज में एज में ड्रॉप एने लगा रहा हूं, और फिर सिमिलरली मैं दो बार ऐसा और करूंगा, दिस वुड बी एक्स थ्री, दिस वुड बी एक्स फोर, यहां पे आ जाएगा सिल्वर, यहाँ पे आ जाएगा ब्रॉन्ज, बाकी सब कुछ सेम है। इस लिस्ट के अंदर हम x1, x2, x3 एंड x4 पास कर देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ओवरऑल एज, यहाँ पे हम लिखेंगे गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट, और यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रॉन्ज, और इस कोड को आप जैसे ही रन करोगे ये रहे आपके चारों ग्राफ्स। तो आप चाहो तो गोल्ड और सिल्वर को साथ में एनालाइज कर सकते हो,
और एनालिसिस कुछ ऐसा करना है कि जब भी ग्रीन वाला कर्व ऊपर है, मतलब उस एज ब्रैकेट में सिल्वर मेडल जीतने का प्रोबेबिलिटी इज हायर देन गोल्ड मेडल जीतने का प्रोबेबिलिटी. सो यू कैन सी, जब आप थोड़े छोटे होते हो, सिंस आप जस्ट उस पर्टिकुलर फील्ड में एंटर कर रहे हो, तो आपका सिल्वर जीतने का प्रोबेबिलिटी इज हायर देन गोल्ड के जीतने का प्रोबेबिलिटी, बिकॉज ऑलरेडी कुछ ऐसे लोग होंगे जो बहुत बढ़िया खेल रहे होंगे, अपने पीक एज में होंगे. उसके बाद अगर आप इस एज में आते हो, 20 ऑनवर्ड्स, 20 से लेके आई गेस 25 तक, इस पॉइंट तक आपका पीक एज है, यहाँ पे आपका गोल्ड जीतने का प्रोबेबिलिटी इज हायर देन योर सिल्वर जीतने का प्रोबेबिलिटी. और फिर जैसे जैसे यहाँ से एज बढ़ रहा है, यू कैन सी कि आपका सिल्वर जीतने का प्रोबेबिलिटी इज हायर देन गोल्ड जीतने का प्रोबेबिलिटी, एक्सेप्ट इस एज में, 33 से 36 के एज में, जहाँ पे फिर से गोल्ड जीतने का प्रोबेबिलिटी इज हायर देन सिल्वर जीतने का प्रोबेबिलिटी. अब ऐसा इसलिए है, मेरा लॉजिक है ये कि कुछ जो बहुत पावरफुल एथलीट्स होते हैं, मतलब बहुत फेमस और बहुत बढ़िया एथलीट्स जो होते हैं, वो धीरे धीरे उनका परफॉर्मेंस खराब होता है, फिर एक पॉइंट पे जब 30 35 के वो होते हैं, तो दे गिव इट अ लास्ट शॉट, उनको ऐसा लगता है कि यार बस अब थोड़ा ही खेलना है, तो वो जान लगा देते हैं. और इसलिए आपने देखा होगा कि जो बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, वो अपने आखिरी कुछ मैचेस में और इवेंट्स में बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं. तो यहाँ पर वही डेटा में दिखाई दे रहा है, ठीक है. सिमिलरली यू कैन कंपेयर विथ ब्रॉन्ज, ठीक है, यहाँ पे भी आपको मोर और लेस उसी तरीके का ट्रेंड दिखाई दे रहा है, ठीक है. आप ओवरऑल से भी कंपेयर कर सकते हो. सो डिस प्लॉट काफी काम का होता है पूरी चीज की बात समझाने के लिए, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, इस सेम चीज को हम लोग प्लॉट करेंगे इन आर वेब एप्लीकेशन. सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा पाईचार्म में. यहाँ पर हम ऊपर जाएंगे और इसको सेलेक्ट कर लेंगे कॉपी, और एकदम बॉटम में जाके इफ यूजर मेन्यू का वैल्यू इज इक्वल टू दिस, देन व्हाट यू हैव टू डू इज, सबसे पहले यू हैव टू डू दिस, उसके बाद यू हैव टू डू दिस, और उसके बाद यू हैव टू कॉपी दिस. और लास्टली आपको क्या करना है, अच्छा हमें ऊपर जाना है और यहाँ पे लिखना है, हमें इंपोर्ट करना है ये लाइन, कॉपी पेस्ट. हम यहाँ पे आ गए और अब बस मुझे क्या करना है, st.plotlychart प्लॉटली चार्ट में फिगर को भेज देना है. और एक बार इसको रन करते हैं, एंड यू कैन सी ये हमारा दिखाई दे रहा है, सेम चार्ट जो हमें वहां पे दिख रहा था. व्हाट वी कैन डू इज, वी कैन फर्स्ट ऑफ ऑल गिव इट अ हेडिंग, एक हेडिंग दे सकते हैं यहाँ पे, st.title के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज. सो गाइज, मैंने एक एक्स्ट्रा कोड ऐड किया यहाँ पे वेट और हाइट थोड़ा बढ़ाने का. जो ग्राफ प्लॉट हुआ था वो थोड़ा सा छोटा था, ये कोड ऐड करने के बाद ये ग्राफ अप्रोप्रिएट साइज का दिख रहा है, ठीक है. नेक्स्ट थोड़ा एक इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं हम लोग. हम प्लॉट करने वाले हैं कि हर स्पोर्ट के रिस्पेक्ट में एज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है. सो मैंने क्या किया, मैंने एक लिस्ट बनाया फेमस स्पोर्ट्स बोल के, और हर इंडिविजुअल स्पोर्ट के लिए मैंने एज का डिस्ट्रीब्यूशन निकाला, सो दैट मुझे समझ में आए कि कौन से स्पोर्ट्स में आप कम एज में सक्सीड कर सकते हो, कौन से स्पोर्ट्स में आप ज़्यादा एज तक खेल सकते हो, कौन सा स्पोर्ट्स ऐसा है जहाँ पर एज उतना मैटर नहीं करता. ये सब क्वेश्चंस आंसर करने के लिए दिस इज द कोड. बहुत ही सिंपल है, बेसिकली पिछले वाला ही कोड है, मैंने बस उसको लूप चला करके लिखा है, ठीक है. तो मैं एक काम करता हूँ, इस कोड को पहले तो मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ अपने वेब ऐप में, और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसको कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं. तो विल गो टू पाइचाम, वहां पे हमने सबसे पहले ये प्लॉट कर दिया, और उसके पहले हमें ये कोड लिखना पड़ेगा. और उसके बाद कॉपी पेस्ट, और फिर ये तीन लाइंस मुझे कॉपी
कॉपी करनी है और यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। और अब अगर मैं वापस जाऊं अपने कोड में, सो ये रहा वो सेम कर्व, ठीक है। और इसमें बस एक चीज हम लोग चेंज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज विथ रिस्पेक्ट टू स्पोर्ट्स। बाय द वे ये जो कोड है ये स्पेशली सिर्फ गोल्ड मेडलिस्ट लोगों के लिए है, यहाँ पे सिल्वर मेडल्स या फिर ब्रॉन्ज मेडल या फिर जिन्होंने मेडल नहीं जीता उनके बारे में हम बात नहीं कर रहे, ये सिर्फ गोल्ड मेडलिस्ट जो लोग हैं उनकी बात की जा रही है। आप सेम कोड लिख सकते हो फॉर सिल्वर ऑल्सो, यहाँ पे बस सिल्वर लिख दोगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको इंटरप्रेट कैसे करना है। तो मैं पहले आपको बताता हूँ कि वो कौन से स्पोर्ट्स हैं जहाँ पे कम एज में सक्सेस मिलता है जनरली। जैसे कि अब ये स्पोर्ट देखो, रिदमिक जिम्नास्टिक है ये। अब इसमें आप जब तक 15 से 20 साल के बीच में नहीं हो गोल्ड मेडल जीतना बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक है। वेयर एज अगर आप इधर आओ, ये रेड कलर वाला जो कर्व है दिस इज बीच वॉलीबॉल, सो यहाँ पे आप 25 से 30 के बीच में हो तो भी आपका मेडल जीतने का चांस हाई रहता है, ठीक है। एक चीज और, जितना शार्प कर्व है उस शार्पनेस का मतलब ये है कि स्पेसिफिक एज में गोल्ड मेडल जीतना इजी है, बाकी एजेस में गोल्ड मेडल जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। जितना फ्लैट कर्व है ना वो ये बताता है कि वो स्पोर्ट्स किसी भी एज में खेला जा सकता है। जैसे कि अब आप ये देखो आर्ट कॉम्पिटिशन्स, इसका कर्व बहुत ही फ्लैट है, इसका मतलब कम एज में भी गोल्ड मेडल जीतने की प्रोबेबिलिटी और ज्यादा एज में भी गोल्ड मेडल जीतने की प्रोबेबिलिटी लगभग बराबर है। वेयर एज अगर आप इसकी बात करो पोलो, पोलो में भी सेम चीज है, ठीक है। तो जितना फ्लैटर कर्व है उसका मतलब वो स्पोर्ट उतना ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटी देता है ज्यादा एज ब्रैकेट में, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, किसी को सेलेक्ट कर सकते हो, किसी को डीसेलेक्ट भी कर सकते हो। सो ये भी एक अच्छी बात है इस कर्व की, अगर आप किसी पर्टिकुलर को देखना चाहते हो या दो को कंपेयर करना चाहते हो। तो ऑल दो यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज हो गई हैं, बट आप इस तरीके से कर्व्स हटा सकते हो और फिर एक एक करके ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये एक अच्छी बात है प्लॉटली की। सो मैंने ऑलमोस्ट सारा हटा दिया यहाँ पे, आइस हॉकी, पोलो, रग्बी, ट्रायथॉन, बीच वॉलीबॉल, रग्बी सेवंस, और मान लो अभी हम सिर्फ इन दोनों का कर रहे हैं, टेबल टेनिस और सिंक्रोनाइज स्विमिंग का, तो ऐसा दिखाई दे रहा है। लेट्स से मुझे एथलेटिक्स में देखना है तो एथलेटिक्स का ये पर्पल वाला कर्व है। और अब जैसे कि ये देखो टेबल टेनिस में इसी एज में लोग खेलते हैं, इसी एज ब्रैकेट में लोग खेलते हैं, ठीक है। तो काफी सारा इन्फॉर्मेशन है इस ग्राफ के अंदर, आपको थोड़ा सा रुक करके ठहर के देखना पड़ेगा। सो नेक्स्ट गाइज हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करेंगे फॉर एनी पर्टिकुलर स्पोर्ट, हाइट वर्सेस वेट का ग्राफ प्लॉट करेंगे, और उस ग्राफ में मल्टीपल इंफॉर्मेशन हम दिखाएंगे। पहला तो क्लियरली सारे एथलीट्स का वेट और हाइट का डेटा दिख रहा है, साथ ही साथ हम उसके बीच में दिखाएंगे कि गोल्ड मेडलिस्ट कहाँ पे लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे ऑरेंज कलर वाले सारे पॉइंट्स गोल्ड मेडलिस्ट हैं, रेड कलर वाले सिल्वर मेडलिस्ट हैं, और ग्रीन कलर वाले ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, ठीक है। और जो नॉर्मल ब्लू है वो सारे एथलीट्स हैं, और ये हम किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के लिए दिखाएंगे। साथ ही साथ हम ये भी दिखाएंगे कि इनमें से कौन सा एथलीट मेल है और कौन सा एथलीट फीमेल है। जैसे यहाँ पे क्रॉस जो है वो फीमेल है और सर्कल जो है वो मेल है, ठीक है। तो ये हमें करना है, कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। हमारा एथलीट डीएफ है, इसमें हमारे पास हाइट और वेट ऑलरेडी है, हम बस एक काम करेंगे कि ये जो मेडल वाला कॉलम है इसके एनएन वैल्यूज को हम लोग फिल कर लेंगे। सो हम लिखेंगे मेडल डॉट फिल एनए नो मेडल, और इसको हम इन प्लेस कर लेंगे लाइक दिस। उसके बाद अब कोड बहुत इजी है, हम लिखेंगे एसएनएस डॉट स्कैटर प्लॉट एथलीट डीएफ का वेट आएगा नीचे और हाइट आएगा वाई एक्सिस पे, एंड यू कैन सी दिस इज द ग्राफ। और हम और क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा सकते हैं, पी एल टी डॉट फिगर फिग साइज इक्वल्स 10, 10, ऐसा दिखाई दे रहा है। अब हमें क्या करना है, अच्छा हमें एक चीज और करनी है, हमें किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट के लिए ये चीज प्लॉट करनी है, तो हम काम करते हैं फिल्टर कर लेते हैं। सो हम लिखेंगे एथलीट डीएफ स्पोर्ट इज इक्वल टू, लेट्स से हमने लिख दिया
एथलेटिक्स और फिल्टर मार दिया लाइक दिस, और इसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, लेट्स कॉल इट टेम्प डीएफ, और इस जगह पे भी टेम्प डीएफ और इस जगह पे भी टेम्प डीएफ। तो ये रहा हमारा ग्राफ। अब इसमें हमें प्लॉट करना है ह्यू पैरामीटर के अंदर टेम्प डीएफ का मेडल, एंड यू कैन सी दिस इज द दीज आर द वेरियस कैटेगरीज। ठीक है, सो एथलेटिक्स में ज्यादातर गोल्ड मेडलिस्ट जो हैं उनका वेट थोड़ा कम है, हाइट थोड़ा ज्यादा है, उस तरह के लोग ज्यादा हैं। अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है लाइक दीज एथलीट्स, पर हाइट इतना ज्यादा नहीं है, तो आप कम गोल्ड मेडल जीतते हो। अगर आपका वेट बहुत कम है और हाइट ज्यादा है इस रेंज में, यहाँ पर भी कम गोल्ड मेडल्स जीतते हो। तो काफी प्रोपोर्शनेट जो एरिया है हाइट और वेट का, वहीं पर आप सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स जीत रहे हो। अगर आप वेट लिफ्टिंग देखो, अब मुझे पता नहीं है वेट लिफ्टिंग कैसे लिखा जाएगा, सो यहाँ से उठाते हैं हम, लेट्स से वेट लिफ्टिंग अगर देखें तो यहाँ पर आई गेस वेट मैटर करता होगा, लेट्स चेक। सो या ये थोड़ा वेट की तरफ ज्यादा बायस्ड है। ठीक है, यहाँ पर आप एक काम और कर सकते हो, स्टाइल इक्वल टू आप दे सकते हो टेम्प डीएफ का सेक्स कॉलम, ये रहा। ठीक है, जैसे वेट लिफ्टिंग में सरप्राइजिंगली बंदियां ज्यादा हैं बंदों के कंपैरिजन में। सही है, और साइज भी हम बढ़ा सकते हैं मार्कर का, लेट्स से हमने 100 कर दिया। हाँ, दिस इज मच बेटर। ठीक है, तो दैट इज हाउ यू प्लॉट दिस ग्राफ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे। सो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एथलीट डीएफ क्रिएट करना सीखना पड़ेगा। एथलीट डीएफ हमने क्रिएट किया था इस जगह पे, तो हम पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। आई एम गोइंग बैक टू पाइचाम, यहाँ पर आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू फंक्शन वेट वी हाइट, यहाँ पे मुझे डीएफ मिलेगा और स्पोर्ट का नाम मिलेगा। सबसे पहले मैं एथलीट डीएफ क्रिएट करूँगा, उसके बाद मैं ये कोड कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, टेम्प डीएफ निकालूंगा और रिटर्न कर दूंगा टेम्प डीएफ को। और यहाँ पर हेल्पर डॉट, यहाँ पे डीएफ, और मुझे स्पोर्ट का नाम चाहिए। स्पोर्ट का नाम मुझे यहाँ से मिलेगा, मैंने ऊपर कहीं पे सेलेक्टेड स्पोर्ट बोल के बनाया था। या तो आई विल कॉपी दिस मच कोड और उसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, सेलेक्ट अ स्पोर्ट, सेलेक्टेड स्पोर्ट, वो पलट के मुझे टेम्प डीएफ देगा, और उस टेम्प डीएफ से मैं सबसे पहले पीएलटी डॉट सब प्लॉट्स क्रिएट करूंगा, और इसको हम दे देंगे फिगर और एक्सिस में। उसके बाद मैं लिखूंगा एक्सिस इज इक्वल टू दिस कोड, कॉपी, और अब मैं लिखूंगा एसटी डॉट पाई प्लॉट फिगर, दिस इज द कोड। एक बार इसको ट्राई करते हैं। सो ये ओवरऑल के लिए है। बास्केटबॉल, रेसलिंग, हर बार सेम ही ग्राफ आ रहा है, इसको डीबग करना पड़ेगा। सो क्या प्रॉब्लम हो सकता है,
हम सेलेक्टेड स्पोर्ट भेज रहे हैं हेल्पर डॉट पी वाई में और स्पोर्ट को यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हमें स्पोर्ट को यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर। ऑल्सो वहाँ से ओवरव्यू भी आ सकता है, सो इफ स्पोर्ट नॉट इक्वल टू ओवरऑल, ओवरव्यू नहीं ओवरऑल आ सकता है, अगर ओवरऑल नहीं है तो ही फिल्टर करना है, अदरवाइज मुझे क्या करना है, एल्स आई विल रिटर्न एथलीट डीएफ ओवरऑल के लिए। ठीक है, सो वापस जाते हैं, ये रेसलिंग है, ओवरऑल सेलेक्ट करने पे बहुत क्राउडेड ग्राफ आएगा, या बहुत ही क्राउडेड ग्राफ है ये। एक काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे ऐप डॉट पी वाई में 100 के बदले 60 डाल के देखते हैं, या थोड़ा बेटर है बैडमिंटन, या दिस इज बैडमिंटन का कर्व, क्लियरली यू कैन सी बंदियों का हाइट और वेट कम है और यहाँ पे बंदों का ज़्यादा है, और कहीं मिडवे में ज़्यादा मेडल्स जीत रहे हैं लोग। सो एक बार इसको भी हेडिंग दे देते हैं, वी कैन राइट एस टी डॉट टाइटल हाइट वर्सेस वेट। ओके, इसको हम लोग को कट करके इसके ऊपर रखना पड़ेगा, या नाउ इट्स वर्किंग। सो या गाइस, इतना हो गया। सो लास्टली गाइस, हम लोग एक लास्ट एनालिसिस करेंगे कि ओवर द इयर्स ओलंपिक्स में मेन वर्सेस वेमेन पार्टिसिपेशन कैसा रहा। ठीक है, सो दिस इज द कर्व, यू कैन सी शुरू में बहुत ही कम था वेमेन पार्टिसिपेशन, और धीरे 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 इस पॉइंट से लाइक 1980 ओलंपिक से थोड़ा बढ़ने लगा और अब काफ़ी कंपेरेबल है। ठीक है, तो हमें ये ग्राफ प्लॉट करना है, मैंने कोड ऑलरेडी लिख रखा है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैंने एथलीट वाले डेटा फ्रेम में से मेल को अलग फिल्टर किया, ईयर के बेसिस पे ग्रुप बाय करके मेन बोल के एक डेटा फ्रेम बना दिया जो कि ऐसा दिखाई देता है, दिस इज मेन हर ईयर और उसमें कितने मेन पार्टिसिपेट किए, और फिर मैंने सिमिलरली वुमेन बना दिया हर ईयर और उसमें वुमेन कितनी पार्टिसिपेट की। ठीक है, और फिर मैंने उन दोनों को जोड़ दिया, सो फाइनल ऐसा दिखाई देता है, दिस इज द फाइनल डेटा फ्रेम, ईयर और उसमें मेल और फीमेल कितने हैं। ऑल्सो यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन लूज कर गए हम लोग, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हाउ इक्वल टू लेफ्ट, और ऐसा करने पे 174 है, यहाँ पे नैन है, और यहाँ पे हम फिल एन ए कर सकते हैं विथ 0 इन प्लेस इक्वल्स ट्रू, और अब इसको प्लॉट करने पे यू कैन सी कि 174 थे वेर एज 1896 में फीमेल 0 थे। सो दिस इज द कर्व गाइस। ठीक है, ये सेम कर्व हमें प्लॉट करना है इन आर वेब एप्लीकेशन, सो व्हाट वी विल डू इज विल गो टू दिस प्लेस, और यहाँ पर हम एक नया फंक्शन बना लेंगे मेन वर्सेस वुमेन, मुझे डेटा फ्रेम चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, इस डेटा फ्रेम से मैं एथलीट डीएफ बना लूंगा सबसे पहले, उसके बाद आगे का कोड कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, और फिर हम रिटर्न कर देंगे जो भी फाइनल के अंदर है। यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे हेल्पर डॉट मैन वर्सेस वेमेन, डेटा फ्रेम पास करेंगे, फाइनल हमें वापस मिलेगा, और यहाँ पे आके हम ये कोड कॉपी कर लेंगे पेस्ट कर लेंगे, और इतना करने के बाद हम लिखेंगे एस टी डॉट प्लॉटली चार्ट फिगर, और यहाँ पर हम लोग एक एस टी डॉट टाइटल ऐड कर देंगे मेन वर्सेस विमेन पार्टिसिपेशन ओवर द ईयर्स। वापस जा रहे हैं हम हमारे ऐप में,
और रन कर रहे हैं, और ये रहा वो ग्राफ। इसका भी साइज अगर आपको चेंज करना है तो ये कोड कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सो या गाइस, दिस इज द ग्राफ एंड दिस इज द आउटपुट। सो या मोर और लेस हमने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया। अब इसमें आप और भी एनालिसिस कर सकते हो, मैं नहीं कर रहा बिकॉज वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। मैं एक लास्ट काम करूँगा, इसको मैं डिप्लॉय करूँगा हेरोकू के ऊपर, एंड लेट्स स्टार्ट दैट। सो गाइज, मैंने एक लास्ट चीज़ ऐड की, ये एक इमेज ऐड किया मैंने ओलंपिक का लोगो, और वो ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा और अच्छा लोगो भी डाल सकता था, मुझे मिल नहीं रहा है, आप ट्राई कर सकते हो, इट्स जस्ट वन लाइन ऑफ कोड। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे तीन चार फाइल्स बनानी है डिप्लॉयमेंट के पहले। सो सबसे पहली जो फाइल होगी वो होगी डॉट गेट इग्नोर फाइल, क्योंकि वर्चुअल इन्वायरमेंट के बहुत सारे फाइल्स होती हैं, फोल्डर्स होते हैं, वो सारा अपलोड नहीं करना हमें। सो यहाँ पे हम बस लिख देंगे वी एन बी फोल्डर को इग्नोर मार दो जब आप डिप्लॉयमेंट कर रहे हो। सेकेंड जो फाइल हमें चाहिए है उसका नाम है प्रॉक फाइल, और प्रॉक फाइल में आपको सिर्फ एक लाइन का कोड देना होता है। इट्स बेसिकली अ कमांड, जो कमांड हम यहाँ पर ऐप को रन करने के लिए लिखते हैं, एग्जैक्टली वही कमांड आपको लिखना है। एक और फाइल चाहिए, इसको हम बोलते हैं सेटअप डॉट एस एच, और ये बेसिकली हेरोकू पे आपकी डायरेक्टरीज वगैरह बनाने के काम आती है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ये, बैच फाइल। ये तीन फाइल्स हो गई, और सबसे इंपॉर्टेंट जो फाइल है वो है आपकी रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी फाइल, रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी, जहाँ पे आप उन सारे पैकेजेस का नाम लिखते हो जो आपके प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी है, जो आपको इंस्टॉल करवाना है सर्वर के ऊपर। सो दिस इज़ द फाइल। हमें कौन कौन से चाहिए हैं, हमें स्ट्रीमलेट चाहिए है, हमें प्लॉटली हमें चाहिए है, स्ट्रीमलेट प्लॉटली सीबॉन मैट प्लॉटलिब। पैंडास में इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि स्ट्रीमलेट के प्रोसेस में वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाती है। हेल्पर वाले में नंपाई है, वो भी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा, पैंडास है। सो या ये रिक्वायरमेंट्स वाली फाइल है, ये चार फाइल्स हमें बस चाहिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें हेरोकू पे जाना होगा। सो विल गो टू हेरोकू, यहाँ पे आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, अगर ऑलरेडी अकाउंट है तो आपको लॉग इन करना है, जैसे मैं लॉग इन कर रहा हूँ। फ्री अकाउंट में आप पांच एप्लीकेशंस होस्ट कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी चार कर रखा है। सो अब मैं एक नया एप्लीकेशन बना रहा हूँ, इसका नाम है ओ डी ए, ओलंपिक डेटा एनालिसिस कैंपस एक्स। ये डोमेन अवेलेबल है, ये मैं ऐप क्रिएट कर रहा हूँ। और अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हेरोकू सी एल आई डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। ठीक है, और अगर आपने इंस्टॉल कर रखा है तो आपको बस लाइन से कमांड्स रन करते जाना है। सो मैं सबसे पहले ये कमांड लिखूंगा और मैं अपने टर्मिनल पे जाऊंगा, पेस्ट करूंगा, एंटर। सबसे पहले ये मुझे ऑथेंटिकेट करेगा एक ब्राउज़र में, यहाँ पे मुझे लॉगिन पे क्लिक करना है, उसके बाद मुझे आगे के कमांड्स रन करना है। सबसे पहले गिट इनिशियलाइज करना है, हो गया। उसके बाद ये कमांड रन करना है, हो गया। उसके बाद सारी फाइल्स को ऐड करना है, हो गया। उसके बाद कमिट करना है, हो गया। और उसके बाद पुश कर देना है, सो कॉपी पुश एंटर, और अब थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको अपलोड होने में। सो या गाइस, एज यू कैन सी डिप्लॉयमेंट हो गया है। अब मैं इस लिंक पे क्लिक करके एप्लीकेशन को ओपन कर सकता हूँ, एंड यू कैन सी दिस इज़ आर एप्लीकेशन। और यहाँ से आई कैन जस्ट चेंज द सेटिंग्स, वाइड मोड, लाइट। सो या गाइस, सब कुछ सही से काम कर रहा है आई होप। या ओवरऑल एनालिसिस चेक कर लेते हैं, या इन ग्राफ्स का भी साइज आप चेंज कर सकते हो, कंट्री वाइज एनालिसिस देख लेते हैं। सो दिस इज कंट्री वाइज एनालिसिस, या दिस इज कंट्री वाइज एनालिसिस, एंड दिस इज एथलीट वाइज एनालिसिस। या सो दिस थिंग इज कंप्लीट। सो या दैट वॉज द वीडियो, आई होप यू लाइक इट। नीचे कमेंट में गाइस प्लीज टेल मी, मैं आई एम रनिंग आउट ऑफ आइडियाज़ की और क्या प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैं वीडियो बना सकता हूँ। सो अगर आपके दिमाग में कोई भी प्रोजेक्ट आइडिया है
तो प्लीज कमेंट में मुझे बताओ कि आप उस चीज के ऊपर एक वीडियो देखना चाहते हो, मैं ट्राई करूंगा उसको जल्दी से जल्दी बनाने का। ऑल्सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट, अगर आपके सर्कल में कोई इस तरह के प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता है उसको प्लीज इस वीडियो को शेयर करो, और ऑब्वियसली लाइक करो, और प्लीज सब्सक्राइब करो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।